हेलो, ठीक है। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। ओके, सो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? बायबैक चल रहा है। ऑलराइट, और आज हमारा टारगेट रहेगा कि हमारे बायबैक का हम आज अंत कर लेंगे। अंत कर लेंगे मतलब हम आज बायबैक को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास आज हाई लेवल क्वेश्चंस बचे हैं बायबैक के और अच्छे खासे प्रैक्टिस बची हुई है। आई विल ट्राई कि आज हम अच्छे खासे क्वेश्चंस करके हमारा बायबैक हो जाए। नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, कल थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, क्लास शुरू करने के से साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि होमवर्क का क्या चक्कर चल रहा है? हाँ, मैंने आपको बोला हुआ है कि होमवर्क आपको करना था, तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन दिया था होमवर्क में? 8th नंबर। ऑल राइट, 8th नंबर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, किया आपने? हाँ, कोई डाउट? बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा। मैं बैठा हूं, मैं करवा लूंगा, कोई बात नहीं। किसके किसी से भी टैली नहीं हुआ? बैलेंस शीट क्वेश्चन में पूरा दिया हुआ है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी पूरा बनेगा। अगर क्वेश्चन में ही बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं है तो फिर आप एक्सट्रैक्ट बनाओगे, ठीक है? एक्सट्रैक्ट नहीं बनाना था, पूरा बैलेंस शीट बनाना था, क्योंकि क्वेश्चन में पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ था। हाँ, आपका क्या हिसाब? तो ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन में अभी पिछली क्लासेस देखी हैं, तो मतलब तुम तो करंट स्टूडेंट ही हो गए ना, तो बनाइए क्वेश्चन। बाकी है कल बताना मेरे को, है ना? हाँ, और इधर फर्स्ट है। अच्छा, बाकी कहाँ इतने दिन से? ओह माय गॉड, इधर लगा डायरेक्ट। अच्छा हाँ, किधर बिजी था? अच्छा सर, चल कोई नहीं, निपटाया सबको। चलो, इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स खत्म हो गए ना, मतलब चलो अब फालतू चीजें स्टार्ट करें। हाँ। तो चलिए मैं यहीं से शुरू करता हूं, जो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8। किसी से बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ क्या? किया, हो गया टैली। ओके, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए, आपसे मैं जो कुछ फिगर्स पूछना चाहता हूँ, बैलेंस शीट टैली करना है ना, बाकी तो सॉल्व कर चुके होगे ना, तो आप मुझे ये बताओ कि मैं थोड़ा सा रफ में करूंगा इसको, मुझे बताओ बायबैक अमाउंट कितना है? मुझे बताओ बायबैक अमाउंट कितना है? 25 लाख। आई होप आपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी ये क्वेश्चन कर लिया होगा, स्टेटस मुझे बता दीजिएगा। 25 लाख, 25 लाख में से फेस वैल्यू कितना है? बेटा फर्स्ट क्लास है तो मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि आ समझ में आएगा, ठीक है ना? सो प्लीज डोंट जज मी ऑल्सो, डोंट जज द क्लास ऑल्सो।
हंसने वाली बात नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग, कोई स्टूडेंट अगर चौथी पांचवी क्लास ज्वाइन करेगा तो उसको घंटा कुछ समझ में आएगा, मेरे को ही नहीं समझ में आएगा, तू भले भगवान से पढ़ ले। तो इसीलिए अपनी रिस्क पे, कल नया चैप्टर होगा वो फिर मेरी गारंटी है समझ में आएगा। तो आज की क्लास को जज मत करना, मतलब मैं यही मैसेज सबको देना चाह रहा हूं कि अगर क्लास कोई भी क्लास बीच में ज्वाइन करोगे तो उसमें फिर आप उस फैकल्टी को जज नहीं कर सकते कि यार मेरे को आज समझ में नहीं आया, वो आपको खुद का लुकआउट होना चाहिए। बैकअप यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, कब की बात ही नहीं है, रोज लेक्चर यूट्यूब पे हो रहा है, लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, शुरू के 5 से 6 लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं, तो वो बैकअप कब की वाली बात नहीं, जाओ वी स्मार्ट चैनल पे जाके शाम को देख लो। कैसी बातें कर रहा है यार। 5 लाख रुपीज फेस वैल्यू, क्या नाम है तेरा, अस्मित, फेस वैल्यू और दूसरा क्या है, प्रीमियम, प्रीमियम कितना, 20 लाख। चलो जल्दी जल्दी बताओ प्रीमियम में से फ्रेश इशू कुछ है क्या, थोड़ा जल्दी, हाँ तो कितना है, 2 लाख, फिर CRR बाकी का हो गया 3 लाख, ठीक है ना। अच्छा इसको राइट ऑफ कहाँ से किया, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 लाख, ऑल राइट, ये सब क्लियर है। अच्छा इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स कितने के थे, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितने थे, 30 लाख, सेल प्राइस कितना था, 20, चट मुझे लगा 28 होगा, 22, 8 लाख का क्या हुआ, लॉस, कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, P&L से। अंडरस्टूड बेटा, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो। अच्छा मुझे ये बताओ, अब ध्यान से देखना, सामने सामने ध्यान से देखिएगा, सामने आपके बैलेंस शीट है, ठीक है, सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल में कोई बदलाव नहीं होगा और वो आपके टोटल का हिस्सा नहीं होता, बेटा बहुत ध्यान से देखना प्लीज। 2010% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये वही का वही रहेगा, हमने इसको बिल्कुल नहीं हिलाया, ये ऑलरेडी इशू किया हुआ है। 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, अब ये हो जाएगा 2 लाख, क्या हो जाएगा, ये 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच हो जाएगा, बोलो बेटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2000, जल्दी बोलिए, कैसे 2 लाख × 10 कितना होता है, 20 लाख, और रुपीज इन थाउजेंड से, रुपीज इन थाउजेंड से, तो ये कितना, बायबैक होने के बाद शेयर कैपिटल आपका रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होने के बाद अब आपका टोटल शेयर कैपिटल कितना हो गया, 2200। बेटा क्लियर है कि नहीं, अच्छा जी नीचे चलते हैं, कैपिटल रिजर्व एज इट इज, मैंने कोई टच भी नहीं किया कैपिटल रिजर्व को, क्लियर है कि नहीं। अच्छा रेवेन्यू रिजर्व की बात करते हैं, वेट अ मिनट, रेवेन्यू रिजर्व से तुमने क्या बनाया होगा, कुछ कुछ किया क्या रेवेन्यू रिजर्व का, पूरा सीआरआर बनाया, देख लो मतलब तुम, हाँ अच्छा तुम लोगों ने क्या किया होगा, तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम को खत्म कर दिया होगा आई थिंक, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम 2200 है, तो 2200 में से 2000 तो तुम्हारा राइट ऑफ हो गया प्रीमियम से, और 200 को तुमने यूज किया सीआरआर के लिए, तो खत्म हो गया, और रेवेन्यू रिजर्व तुमने 100 का यूज किया ना, तो इसका मतलब अब तुम्हारा रेवेन्यू रिजर्व कितना रखा होगा, 2900। अंडरस्टूड और नॉट, P&L की बात करते हैं, तो P&L में तुमने 3500 में से माइनस कर दो लॉस 8 लाख का, तो 8 लाख मतलब 800, हाँ तो ये कितना हो जाएगा, 2700, क्लियर है कि नहीं। इसके अलावा एक और चीज आएगी, एक और चीज आएगी CRR, क्या आएगा CRR, CRR कितना आएगा, 3 लाख, मतलब 300, ठीक है। अब टोटल कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, 6,900, मतलब 1,000, 2,900, 2,700, 3,000, ये तीन चार छः नौ, 6,900 बिल्कुल, ये कितना आ रहा है, 6,900 रिजर्व एंड सरप्लस, चेक कर लो, चेक कर लो बेटा, क्लियर, ओके। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस 1,400 एज इट इज, चलो अब टोटल चेंज करते हैं, हाँ टोटल बताओ, 13,500 सबका आ रहा है क्या, टोटल करो बैलेंस शीट का, क्या क्या आएगा टोटल में, 3,000 का ऑथराइज नहीं आएगा, सिर्फ शेयर कैपिटल आएगा, ये वाला 2,200,
10,500। अच्छा, तब मेरे को यकीन था, मैंने इसलिए लिखा ही नहीं। हाँ बताओ। 10,500। 10,500 टोटल आ रहा है कि नहीं? ओ भाई यश। हाँ, फिक्स असेट एज इट इज। फिक्स असेट एज इट इज। इन्वेस्टमेंट सेल किया है? हाँ। इन्वेस्टमेंट जीरो। इन्वेस्टमेंट जीरो, क्लियर है कि नहीं? फिर करंट असेट्स इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक 1500 है। तुम चाहो तो रफ में इसका एक अकाउंट बना लो। करंट असेट्स इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक का तुम अकाउंट बना लो। भाई तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना रखा था? 1500। तुमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया 2200 पे। तुमने इन्वेस्टमेंट सेल किया 2200 पे और तुमने फिर बायबैक किया। बायबैक इक्विटी कितना? 2500 पर तुमने बायबैक किया। और कुछ था क्या? फ्रेश इशू था बट एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, बैलेंस शीट में पहले से ही रखा हुआ है, तो इसलिए वो कैश का पार्ट नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी आ चुका है। बस दैट्स इट। तो ये क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 1200। कितना आ रहा है? 10,000। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया था कि टैली नहीं हो रही थी बैलेंस शीट भाई? किस चीज का? कंप्लीट आपने किया, आपने राउंडिंग ऑफ नहीं किया। चलो क्या चीज लेस? लेस करना भूल गए थे, कल अपन ने डिस्कस किया था बेटा। हाँ, बैलेंस शीट किसी से टैली नहीं हुई थी ना, और लोगों से? आपसे हुआ था? किया ही नहीं। क्यों? फिर खाना खाया है ना, फिर सो गए। अच्छा, सीआरआर भूल गए थे, सिली मिस्टेक। कोई नहीं, चलो ठीक है। सो दिस वॉज योर बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, एक ऑप्शनली कहा था मैंने, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शनली, मतलब मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, ट्राई किया गया, बन गया? कोई बात नहीं, पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा जानबूझ के, क्योंकि मुझे डिस्कस इसलिए नहीं करना क्योंकि मुझे इसका एक लेवल का क्वेश्चन और करवाना है, फिर ही डिस्कस करूंगा। सिर्फ मैंने ऑप्शन में दिया था कि ऐसा एग्जांपल करवाया हुआ है कल के क्लास में, तो इसलिए करके देखना। क्वेश्चन नहीं किया? हाँ, ऑप्शन को अपन देखते ही नहीं है सर। ऑप्शन को अपन होमवर्क मानते ही नहीं। आपने जैसे ही ऑप्शन बोला बात खत्म, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। हाँ भाई, पीछे उधर। ओके, आप में से कितना बना कंप्लीट? चलो कोई बात नहीं। नहीं वैसे इसका आंसर बुक में आंसर था। अच्छा, आंसर तो ठीक है, डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। तुम लोग आज क्लास के बाद, नहीं क्लास के बाद, आज तो वो स्टाफ चला जाएगा, कल तुम बुक्स उठा सकते हो, है ना? आज बुक्स आ गई हैं बट जब तक हमारी क्लास खत्म होगी तब तक स्टाफ चला जाएगा तो इशू नहीं कर पाएगा। तो कल तुम लोग बुक्स ले सकते हो, ठीक है? जिन्होंने फीस दिया ऑब्वियसली उन्होंने। हाँ, तो अब चलते हैं आगे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, ऑल राइट? अब मैं आपको करवाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, पीसी लिमिटेड फर्निशेस यू विद द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2011, रुपीज इन क्रोर्स। अच्छा, एग्जाम में ये जरूरी है क्या कि रुपीज इन क्रोर्स है तो मैं एग्जाम में सॉल्यूशन भी रुपीज इन क्रोर्स में करके आऊं, या फिर डायरेक्ट सारे जीरोस लगा के आऊं? दो ही ऑप्शन है, या तो आप पूरे जीरो लगा के आओ, या तो रुपीज इन क्रोर्स करके आओ। पर आप अपना अगर तीसरा खुद का फंडा लगा के आओगे, रुपीज इन क्रोर्स दिया है मेरी इच्छा और ये रुपीज इन लैक्स करने की, तो फिर वो मत करना, है ना। शेयर कैपिटल ऑथोराइज 100 हो गया, इशूड 12% प्रेफरेंस शेयर्स, फुली पेड 75। अब यहां पर ध्यान से देखिए, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, फुली पेड 75, यहां पर ब्रैकेट में नहीं लिखा है इशूड 2 मंथ्स बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। तो फालतू का सोचने का नहीं कि ये बायबैक के पर्पस के लिए इशू किया गया होगा, ये मत सोचिएगा, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड 25 करोड़। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व्स, फंड्स एम्प्लॉयड इन। अच्छा, ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट सही नहीं है, ये पुराना फॉर्मेट है, ये शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग नहीं है। आप देख पा रहे हो क्यों? क्योंकि नीचे करंट लायबिलिटी माइनस हो रही है, देख रहे हो, करंट लायबिलिटी करंट एसेट से माइनस करके दिखा रहा है। तो ये जो फॉर्मेट है, ये शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग नहीं है, हमें सॉल्यूशन में तो शेड्यूल 3 ही करना है, ठीक है। तो फिक्स एसेट अगर देखें तो 100 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 100 तो हो गया निल। इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है जिसका मार्केट वैल्यू 400 है जबकि बुक वैल्यू 100 है। करंट एसेट्स 340, करंट लायबिलिटीज 40, तो नेट करंट एसेट्स 300। ध्यान से देखिए, द कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स। हम तो बायबैक का चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम तो बायबैक का चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर उसने प्रेफरेंस शेयर्स को भी रिडीम करवा लिया, तो क्या हमें वो बोल नहीं सकता क्या? बोल सकता है, क्योंकि हम ग्रुप वन में ऑलरेडी ये चैप्टर करते हैं, मतलब हमारे सिलेबस में ऑलरेडी ये रहता है। चलो, अगर नहीं भी रहता है या कुछ भी रहता है, जो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपके बायबैक के लगते हैं, वैसे के वैसे सेम टू सेम कॉन्सेप्ट किस में लगता है? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। जैसे कि आप, एक सेकंड, लाइन लाइन से चलते हैं ना, जैसे आप बायबैक करते हो तो इक्विटी कैपिटल को रिड्यूस करते हो, वैसे ही आप प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करते हो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हो। अच्छा, दूसरा सोर्स ऑफ बायबैक क्या होता है? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्रेश इशू। सोर्स ऑफ रिडेम्पशन क्या होता है? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्रेश इशू, यही होता है कि नहीं? अच्छा, सीआरआर की रिक्वायरमेंट सेम होती है कि अगर आप फ्री रिजर्व कर रहे हो, फ्री रिजर्व से आउट ऑफ फ्री रिजर्व या आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम से बायबैक कर रहे हो तो सीआरआर बनाना पड़ेगा, वैसा का वैसा। रिडेम्पशन में भी वही कि अगर आप, मैं ही बोलूं, अगर आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे हो तो सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, अगर फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटी प्रीमियम से हो रहा है तो सब कुछ तो रिक्वायरमेंट वही है। सिक्योरिटी प्रीमियम से सीआरआर कैसे क्रिएट करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं, सिर्फ फ्री रिजर्व से, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर में बस ये एक एक्सेप्शन है, प्रेफरेंस शेयर में, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सिर्फ ये एक्सेप्शन है कि अपन जो वो सीआरआर क्रिएट करते हैं वो जनरल रिजर्व और पीएनएल से क्रिएट करते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? अच्छा, यहां तक ये बातें क्लियर है कि नहीं? अच्छा, नेक्स्ट, प्रीमियम का राइट ऑफ का भी सेम है, सेम है। इट ऑल्सो बॉट बैक। अच्छा, ये क्या बोल रहा था? कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स, कितने नंबर्स? देखो ध्यान से, कुछ बताया नहीं है कि कितने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए, तो क्या मान के चलेंगे? सारे के सारे। इट ऑल्सो बॉट बैक 50 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 एट 50 रुपीज पर शेयर। तो बायबैक प्राइस कितना हो गया? 50 रुपीज। द पेमेंट फॉर, ये वाली पॉइंट का मतलब क्या है? द पेमेंट फॉर द अबव वर मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस विच अपीयर्ड एज अ पार्ट ऑफ करंट असेट्स। फ्रेश इशू नहीं करना चाह रहा, ये बोल रहा है हमारे पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस रखा हुआ है और हमने उसमें से दिया, मतलब हम फ्रेश इशू नहीं कर रहे, मतलब इस बार हम पूरा का पूरा सीआरआर बनाएंगे। सीआरआर दो चीजों पे बनेगा इस बार, बायबैक पे और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे। सीआरआर दो चीजों पे बनेगा।
ठीक है, यू आर आस्क्ड टू जर्नलाइज द एंट्रीज, प्रिपेयर द बैलेंस शीट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये तीसरी वाली चीज क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन नेट असेट बेसिस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन नेट असेट बेसिस, ब्रैकेट में लिखो इंट्रिंसिक वैल्यू। कभी कभार वो बोलेगा कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है ना। मैं इस पे भी आऊंगा अभी लास्ट में। अच्छा, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर वन, बायबैक। वर्किंग नोट नंबर वन, बायबैक। इसमें मुझे बताइए कितने बायबैक कर रहा है। हाँ, नंबर ऑफ बायबैक शेयर्स, फिफ्टी लैक्स। बायबैक प्राइस फिफ्टी रुपीज ईच। हाँ, अच्छा, हमारा क्वेश्चन में राउंडिंग ऑफ क्या है, क्रोर्स ना, तो मुझे आपको आंसर क्रोर में देना है। दीजिए, जब 50 लाख को 50 रुपीज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 25. मुझे क्रोर्स में आंसर चाहिए। 25. तो अमाउंट ऑफ बायबैक 25 crores, 25 crores, ओके। अच्छा, फेस वैल्यू कितना है और प्रीमियम कितना है, 10, तो कितना आ रहा है फेस वैल्यू 10 के हिसाब से, फेस वैल्यू 10 रुपीज के हिसाब से कितना आ रहा है, 5 crore, और प्रीमियम 40 रुपीज के हिसाब से कितना आ रहा है, 20 crores। हाँ, क्लियर, बताओ इसके लिए राइट ऑफ के लिए कुछ है, कुछ है सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना, नहीं टू, नहीं वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ध्यान से देखिए 25 है राइट ऑफ विथ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, राइट ऑफ विथ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फेस वैल्यू कहां से किया, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 25 रखा है। हाँ, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो मैंने तो बोला आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स बोला, फ्री रिजर्व्स या ऑब्लिक सिक्योरिटी प्रीमियम, बस ठीक है। ठीक है, तो क्या क्रिएट करेंगे, क्रिएट CRR, ठीक है, ये हो गया वर्किंग नोट नंबर वन। वर्किंग नोट नंबर टू, वर्किंग नोट नंबर टू, रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। वर्किंग नोट नंबर टू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स 75, नहीं नंबर्स नहीं, या चलो ठीक है नंबर्स ही बता दो, 75 क्रोर्स मतलब अमाउंट ही बता दो, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75 क्रोर्स, फुली रिडीम्ड, फुली रिडीम्ड एट पार, एट पार हो रहा है ना, कुछ प्रीमियम तो है नहीं शायद, आई थिंक देख लो, क्योंकि वो बोल रहा है बस रिडीम्ड एट पार है ना, तो फुली रिडीम्ड एट पार दैट इज
75 crores out of free reserves. क्या लिखेंगे? आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स. क्लियर है कि नहीं? कितने रखे हैं फ्री रिजर्व आपके पास? चेक करो. हाँ, वेरी गुड. तो क्रिएट सीआरआर, क्रिएट सीआरआर. समझ आएगी नहीं? जर्नल एंट्री पूछ रहा है क्या? हाँ, जर्नल एंट्री पूछी है. वेरी गुड. चलो आ जाओ जर्नल एंट्री पे. जर्नल मुझे बताओ, पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? यहाँ प्रेफरेंस का, यहाँ बायबैक का, कोई भी, दोनों का, ड्यू ड्यू जो एंट्री करते हैं वगैरह. फ्रेश इशू तो हो ही नहीं रहा है. जल्दी बोलो पहला. प्रेफरेंशियल बता दो, प्रेफरेंशियल बता दो. चलो सबसे पहले क्या है? परसेंटेज क्या है? 11%, 12%, 12%. कल का 11% था. हाँ, अच्छा, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. तू मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू सो के नहीं आया? तेरे को सोना है. तेरी शक्ल से ऐसा लगता है कि तू, मतलब तू बता रहा है कि मुझे सोने दो. कुछ दांतों का कुछ ट्रीटमेंट करवाया गया? ऐसा क्या किया तूने? अरे मतलब गन्ना खाया या क्या किया? अल्सर आया. तो उसके पीछे किसी और का हाथ तो नहीं ना? हमारा हाथ पैर या कुछ भी. चलो, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट. 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट. कितना? अच्छा, ऊपर ना रुपीज इन करोड़ कर देना. ऊपर रुपीज इन करोड़ ऑलरेडी कर देना. हाँ, कितना? 75. नरेशन में क्या लिखोगे? मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ऐसे ही पूछ रहा हूं. नरेशन में क्या लिखोगे? हाँ, बींग प्रेफरेंशियल रिडीम्ड एट पार. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री. बायबैक की भी ड्यू बता दो ना यार, बायबैक का भी ड्यू बता दो. सीआरआर क्रिएट करेंगे, इकट्ठा क्रिएट कर लेंगे. जैसे तुमने प्रेफरेंसेस का ड्यू बताया, वैसे ही बायबैक का बता दो. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 crores, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 20 crores टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट 25 crores. ठीक है, क्लियर. थर्ड एंट्री, फ्रेश इशू नहीं हो रहा है. ठीक है ना, अब क्या करेंगे? प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे. प्रीमियम को राइट ऑफ कहां से करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट. कितना? 20. फोर्थ, नेक्स्ट. CRR कितना क्रिएट करेंगे? एक तो 75 और एक 5 crores, 80 crores का CRR क्रिएट करेंगे. कहां से करोगे? देखो पूरा का पूरा है तो रेवेन्यू रिजर्व से कर लो. अब आप ये बोलोगे कि सर मैं ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम से कर लेता हूं, ये वाला जनरल से, तो भी कर सकते हो. पर इंस्टीट्यूट का यहां पर मानना है कि यार एक ही जगह से क्रिएट कर लो ना. इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में उन्होंने एक ही जगह से किया है. तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब दो ऐसे क्वेश्चन आए, दो दो टाइप के सीआरआर, तो एक ही जगह से क्रिएट कर लो. आप फालतू का दिमाग मत चलाओ कि यार इक्विटी वाला मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से कर लेता हूं और ये वाला मैं जनरल रिजर्व से कर लेता हूं, ऐसा मत करना. तो क्या करना है, चलो जल्दी बताओ.
हाँ उधर नाम क्या यूज किया है, जनरल रिजर्व की रेवेन्यू रिजर्व? जो नाम यूज हुआ है वही नाम हम यूज करेंगे। हाँ जनरल रिजर्व डेबिट टू CRR 80 करोड़। इसका नरेशन स्पेसिफिकली लिख लीजिएगा, बीइंग CRR ऑन बायबैक एंड रिडम्पशन ऑफ 5 and 75 क्रिएटेड एज पर कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है क्लियर? और कुछ है क्या? नेक्स्ट बस अब पेमेंट करना है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट कितना 75। इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट कितना 25 टू टू बैंक। हंड्रेड क्लियर? नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। नेक्स्ट बनाना है हमें बैलेंस शीट। नेक्स्ट बनाना है क्या? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसमें नीचे ब्रैकेट में लिखना आफ्टर रिडम्पशन एंड बायबैक। डेट्स दिए हुए हैं क्या? 31st मार्च है, कंपनी रिडीम 1st अप्रैल, तो यहां पर लिखो एज ऑन 1st अप्रैल 11। ब्रैकेट में रुपीज इन क्रोर्स, रुपीज इन क्रोर्स। ठीक है पर्टिकुलर्स नोट अमाउंट। चलो सबसे पहले इक्विटी एंड यार तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए फॉर्मेट, मैं यहां पर बोलता जा रहा हूं। हाँ सबसे पहले क्या आना चाहिए? पहला शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें भी पहला क्या आना चाहिए? हाँ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बोलिए कितना शेयर कैपिटल है? 20. नोट नंबर वन, नोट वन सबसे पहले इसमें 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 75 माइनस रिडम्पशन 75, ये हो गया जीरो। सेकंड
इक्विटी शेयर 10 ईच, कितना था इक्विटी शेयर 10 ईच? वैल्यू 25 माइनस बायबैक 5 करोड़, तो ये हो जाएगा 20 शेयर कैपिटल। दूसरा क्या है? सेकंड होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर टू, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर टू। चलो जाओ क्वेश्चन में, कौन कौन से रिजर्व एंड सरप्लस रखे हैं हमारे पास? हाँ, ये तो एज इट इज आएगा। कितना? 15 करोड़। सेकंड बोलो, सीआरआर सबसे लास्ट में, सीआरआर सबसे लास्ट में। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना? ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल कितना था? 25 माइनस राइट ऑफ 20, कितना हुआ? 5। आपको ये वर्किंग दिखानी है ऐसे। तीसरा क्या बोले हो? वेरी गुड, जनरल रिजर्व। ओरिजिनल कितना था? 260 माइनस सीआरआर क्रिएटेड 80। हाँ, क्या बोल रहे हो? 180। उसके बाद सीआरआर 80। ठीक है, बोलिए कितना? 280। 280। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट नहीं है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं है। जो चीज नहीं होती वो अपन को लिखने की कोई सेंस नहीं होती, ठीक है। सेकंड, नॉन करंट लायबिलिटी भी नहीं है क्या? हाँ, करंट लायबिलिटीज एज इट इज बता दो। 40, कोई इसका नोट नंबर नहीं होगा। चलो टोटल मारो, 340। चलो इक्विटी लायबिलिटीज के बाद होता है असेट्स। असेट्स में पहला मतलब अब यहां पर तीसरा बोलेंगे, नॉन करंट, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स है क्या कुछ? नील बुक में है, पर बुक में भी उन्होंने प्रेजेंटेशन देखो कैसे किया है, फिक्स्ड असेट पूरा लिखा है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखा है, यही किया है ना, हमें भी वही लिखना पड़ेगा। पीपीई कितना? 100 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जीरो। और कुछ है क्या? इन्वेस्टमेंट वगैरह? हैं? तो लिखेंगे ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितना? 100। फोर्थ आ जाएगा करंट असेट्स, करंट से कितना दिया था? 340 माइनस रिडम्पशन के 75, बायबैक के 25। बोलिए
नहीं था क्या? एक काम करो, इसका नोट नंबर 3 बना दो, इसका नोट नंबर 3 बना दो। कितना बोला था आपने? 340 माइनस रिडम्पशन माइनस बायबैक, कुछ प्लस तो नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं ना? 240 बोलो, 340 टोटल हो गया। हाँ, लास्ट एक चीज बच गई, कुछ बोला ना सबसे लास्ट में कुछ निकालने का है? क्या निकालने को बोला है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑन नेट असेट बेसिस, इसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, आइए मैं सबको समझाता हूँ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपने बैलेंस शीट अगर नहीं नोट किया अभी तक तो बैलेंस शीट देख लो सबसे पहले, क्योंकि ये इंट्रिंसिक वैल्यू बैलेंस शीट से ही होता है। बैलेंस शीट देख लीजिए सबसे पहले, हो गया बैलेंस शीट देख लिया? तो सुनिए ध्यान से, इंट्रिंसिक वैल्यू या नेट असेट वैल्यू क्या होता है लिखिए। इंट्रिंसिक वैल्यू या नेट असेट्स वैल्यू, ऑल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ऑल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, एक और चीज आएगी माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वो मैंने माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल बाद में इसलिए लिखा क्योंकि अपने क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल कैपिटल जीरो हो चुका है, पर मुझे लगा नहीं फॉर्मूला में आपको पहले पूरा बता दूं कि कल को अगर मान लो क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल कैपिटल हुआ तो वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा चलिए मुझे बताओ न्यू बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग तुम्हारे ऑल असेट्स कितने के हैं? 340 के। हाँ, आउटसाइड लाइबिलिटी कितने की है? बस 40। और प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना है? जीरो। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 80। नंबर ऑफ शेयर्स कितने होने चाहिए? 2 करोड़ दो करोड़ नंबर, 2 करोड़ नंबर, और ये भी करोड़ है, तो अब बताइए कितना आएगा? 300 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 150 रुपीस पर शेयर, 150 रुपीस पर शेयर। सर इसका इसका मीनिंग क्या होता है? ये नेट असेट वैल्यू या इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? कोई इंटरप्रेट करके बता सकता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होता है कोई इंटरप्रेट करके बता सकता है?
वेरी गुड। नेट असेट वैल्यू या इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि अगर कंपनी को आज लिक्विडेट कर दिया जाए तो असेट्स बेचने पर 340 रुपए मिलेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करना पड़ेगा सबसे पहले 40, प्रेफरेंशियल कैपिटल अगर होता तो हम उसको भी पे करते, और ये सब पे करने के बाद इक्विटी के लिए कितना बच रहा है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो हर एक इक्विटी शेयर पर शेयर होल्डर की झोली में कितने कितने रुपए आएंगे, हर एक शेयर पर उसको कितने मिलेंगे। इसका मतलब अगर जय चावला इस कंपनी के शेयर होल्ड कर रहा है, 100 शेयर होल्ड कर रहा है, तो 150 इंटू 100, तो जय चावला को उतना रुपया मिल सकता है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज इंट्रेंसिक वैल्यू और नेट असेट वैल्यू। समझ आया कि नहीं? बोलिए बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये हो गया आपका इंट्रेंसिक वैल्यू, नेट असेट वैल्यू, दिस इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल राइट। क्या दिखाना है? ये वाला, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। जब तक मैं क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहा हूं तब तक आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए बेटा। ठंड लग रही है? कम हुआ? फील नहीं है? वही करना पड़ेगा अब। 5 मिनट के लिए बंद किया मैंने। हाँ, तेरे को तो तुम लोग इधर बैठो, आगे बैठो। हाँ, अच्छा, ऑल राइट, नोट कर लिया। तो अब तो चालू कर सकता हूं ना, मतलब चलिए इंट्रेंसिक वैल्यू वाला फंडा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पढ़ने को बोला है आपको, प्लीज क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए।
On 31st March 11, the following was the balance sheet of Tokyo Limited. Liabilities, equity share capital fully paid of 10 each, 2400. Securities premium, general reserve, profit and loss account, 12% debentures, sundry creditors or provision. Assets, machinery, furniture, investments, stock, debtors, cash at bank. On 1st April 11, मतलब बैलेंस शीट है 31st मार्च का और 1st अप्रैल को क्या ट्रांजैक्शन हुआ, कंपनी अनाउंस्ड बायबैक ऑफ 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स एट 15 पर शेयर. 25% ऑफ इक्विटी शेयर, कितने इक्विटी शेयर्स हैं नंबर्स में? 240. अगर इन लैक्स की बात करें, हाँ मतलब इन लैक्स को हटा दो, 24 लाख कैसे हुआ, 2400 का 2400 रुपीज है. पहले अपन ना अपनी एक दूसरे की मैच कर लेते हैं, थिंकिंग को मैच कर लेते हैं पहले. कोई 24 लाख बोल रहा है, कोई 24 बोल रहा है, कोई राउंडिंग ऑफ का यूज कर रहा है, कोई राउंडिंग ऑफ का यूज नहीं कर रहा है. मैं क्वेश्चन के अनुसार चल रहा हूं, मैं राउंडिंग ऑफ का यूज कर रहा हूं. मतलब रुपीज इन लैक्स है तो मैं इन लैक्स में बात कर रहा हूं, ठीक है ना. पहले ना थिंकिंग मैच कर लो एक दूसरे के साथ. हाँ, यहां पर बैलेंस शीट के जो अंदर अमाउंट, अंदर जो वैल्यू है 2400, वो नंबर है कि वो वैल्यू है? अमाउंट है ना, वो वैल्यू 2400 रुपीस है ना वो? नहीं, वो आदमी को समझ में नहीं आ रहा पहले तो, कि वो अंदर बैलेंस शीट के अंदर ये 2400 रुपए की, 2400 क्या है, वो रुपीस है ना. क्लियर हो गया? हाँ, 2400 है और डिवाइड बाय 10 करेंगे आज तो क्या आएगा, कितना आएगा? तो मैं वही बोल रहा हूं, 240 लाख हुआ ना, 240 लाख इन लाख से तो अभी भी नहीं आया. हाँ, तो कितने शेयर्स हैं? 240 का 25% करिए, 60 इंटू 15 रुपए, 60 इंटू 15 रुपए कितना आया? 900 लाख रुपीस. हाँ, चलो करो इसके दो हिस्से. फेस वैल्यू और प्रीमियम. प्रीमियम है आपका बेसिकली 5 रुपए के हिसाब से, तो प्रीमियम फेस वैल्यू हो गया 600, प्रीमियम हो गया 300. आगे बढ़ते हैं, वो कोई फ्रेश इशू तो नहीं किया. देखें, फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर रुपीज 150 लाख. बैलेंस शीट में जाइए, देखिए इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है. बैलेंस शीट में जाके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालिए, 148 के इन्वेस्टमेंट को 150 में बेचा, कितना प्रॉफिट, कहां जाएगा? पीएनएल में. भूलना मत तुम लोग, ये प्लस 2 हो जाएगा पीएनएल में. क्लियर है कि नहीं? हाँ? उसके बाद इशूड 2 लाख 14% प्रेफरेंशियल्स ऑफ 100 ईच एट पार, इंटायर अमाउंट बीइंग पेबल विद एप्लीकेशन. 2 लाख 14% एट 100, कितना वैल्यू आ रहा है? फिर से करो, 2 करोड़. यस, 2 लाख इंटू 100, 2 करोड़. पर हमें तो लाख में चाहिए वैल्यू, हमें लाख में चाहिए. हाँ, 200 लाख. तो फेस वैल्यू के दो हिस्से, फ्रेश इशू 200. हाँ, तो फ्री रिजर्व कितना हुआ? 400. ठीक है, अच्छा. प्रीमियम 300 क्या रखा है हमारे पास, चेक करना कितना रखा है. तो आउट ऑफ एसपी अकाउंट, ठीक है, अच्छा. 400 का क्या होगा? सीआरआर, ठीक है, अच्छा. ये भी हो गया, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? अपनी कॉपी में प्रॉपर इसको एक फेयर वर्किंग में रफ कर, ये वर्किंग नोट बनाओ जैसे हम बनाते हैं, यहीं पर बनाएंगे जल्दी. अपनी कॉपी में आप फेयर करो इसको जैसे वर्किंग नोट बनाते हो प्रॉपरली. फ्रेश इशू कैसे आया,
इस पॉइंट को पढ़ो पहले तुम। इशूड 2,14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार, पढ़ो। हाँ ना बेटा, लेना क्यों नहीं है? अच्छा इसको देख, तू 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 बोर्ड पे देख, सामने बोर्ड पे देख। फॉर दिस पर्पस, और भी नहीं समझ में आया अगर तो 2,00,000 × 100 करेंगे तो ये होगा 2 करोड़। 2 करोड़ को डिवाइड बाय लाख से करेंगे तो आजकल ये 200 आता है। ठीक है, क्लियर? वर्किंग कर ली कि अभी चल रहा है? हो गया। आगे क्या बोल रहा है वो? द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। अच्छा एक सेकेंड, में आपसे एक सवाल पूछूंगा। आउटस्टैंडिंग इक्विटी आफ्टर बायबैक कितना बचा? 240 में से 60 गया, 180 लैक्स। दो सौ चालीस में से 60 क्या कितना बचा? 180 लैक्स। तेरे को पीछे क्या ज्यादा ठंड लग रही है क्या? है दिमाग पे तो नहीं चढ़ रही? द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, द कंपनी अचीव्ड द टारगेट ऑफ बायबैक लेटर, द कंपनी इशूड 1 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच By way of bonus shares for every 4 equity shares, एक के बदले 4 के बदले 1, 4 equity shares के बदले 1 bonus दे रहा है वो। तो 180 divided by 4 × 1, 45 lakhs numbers। तो into करेंगे 10 rupees face value से, तो 450 लाख ये क्या आ जाएगा? बोनस इशू। क्या आ जाएगा? बोनस इशू रुपीज 450 लाख। ये आपकी सेकंड वर्किंग नोट है, ये आपका सेकंड वर्किंग नोट है। ऑलराइट, ये बोनस इशू कहां से कर रहा है? आमतौर पर बोनस इशू कहां से होना चाहिए? फ्री रिजर्व से होना चाहिए वैसे, पर अगर फ्री रिजर्व से पहले हमारे पास सीआरआर रखा हुआ होगा तो वी कैन यूज सीआरआर। क्या हमारे पास सीआरआर रखा हुआ है? अभी रिसेंटली हमने क्रिएट किया। कितने का क्रिएट किया? तो यहां पर लिखिए बोनस इशू आउट ऑफ,
CRR 400 lakhs, CRR 400 lakhs, और दूसरा फिर क्या होगा चेक कर लो। अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं क्या बोनस के लिए? बोनस के लिए सिक्योरिटी? भाई धीरे, हाँ बोल यार, उसका कान खराब हो रहा है। हाँ जल्दी बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं पक्का? यस, ये लॉ में लिखा हुआ है कि यू कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इश्यू। तो यहां पर आप बोल सकते हो आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 50 लाख्स। क्लियर? एंट्री क्या करोगे इसकी? CRR डेबिट, डेबिट एसपी डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कितना? 450। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल 450। आज ऑनलाइन लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम है मुझे लगता है। आप देखना तो कोई फोन उठा के V-Smart Academy चैनल पे जाके देखना तो आप कमेंट कर पा रहे हो कि नहीं। आई थिंक शायद कोई कमेंट नहीं कर पा रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि अजीबोगरीब लोगों के नाम दिख रहे हैं और वो कमेंट कर रहे हैं। हाय, हाँ कमेंट तो आ गया। अच्छा नहीं तो फिर अभी इतने से बात, गायत्री अपनी फेस टू फेस बैच की स्टूडेंट, गिरीश फेस टू फेस, मौसम फेस टू फेस, ममता, तू ममता है? अच्छा सॉरी सेजल, तो मतलब वो ऑनलाइन, ठीक है वो कर तो पा रहे हैं फिर। सेजल, सेजल कोई नहीं है। रूशान, रूशान तो ये रहा, हाँ तो कर तो पा रहे हैं, पर ऊपर वाले कमेंट मेरे को थोड़े अजीब लग रहे हैं। हाँ पढ़ते पढ़ते यहां से करते हो, मतलब मुझसे बात सामने नहीं कर सकते। चलो कोई नहीं छोड़ दो, वो ऊपर का ऊपर के कमेंट देखो रे, ऊपर के कैसे कैसे गंदे गंदे नाम है, अजीब गरीब नाम। हाँ वो स्पैम वगैरह कुछ होगा। उसको नाम बताओ, वो चार लोगों से पूछ रही है क्या नाम है क्या नाम है, उसको बताओ, उसको नींद नहीं आएगी, उसका क्वेश्चन नहीं हो रहा। नहीं मेरे में सारे दिख रहे हैं, वो मेरा आर्मी वाला फोन है, सब मालूम पड़ जाता है। चलो अभी क्या हुआ, अपना बोनस इशू हो गया, फिर क्या कह रहा है, शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन। चलो लिखो, मैं बोलता जा रहा हूं, आप एंट्री लिखते जाओ। हाँ हाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, वैसे ये दो एंट्रीज तो मैंने ऐसे ही रफ में लिखवाई थी, मैंने रफ में लिखवाई थी, आप प्रॉपर फेयर करेंगे ठीक है ना। ये एंड में आनी चाहिए, ये एंड में आनी चाहिए। चलो पहली एंट्री, पहले मुझे बताओ फिर लिखो साथ में, पहली एंट्री किस चीज की होगी, फ्रेश इशू या फिर इन्वेस्टमेंट, दोनों में से कोई एक कर लो और दूसरी वाली फिर दूसरी कर लो। चलिए जल्दी बोलो, पहले क्या, इन्वेस्टमेंट,
हाँ बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 150, 150, बैंक अकाउंट डेबिट 150 टू इन्वेस्टमेंट 148, इन्वेस्टमेंट आई डोंट नो कितना वैल्यू था, शायद 148 था ना, 148 टू डायरेक्ट पीएनएल कर दो 2 रुपीज, टू मतलब अच्छा जनरल एंट्री के साइड में लिख रहे हो ना रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स, हाँ ये क्या हो गया इन्वेस्टमेंट सेल हो गया, सेकंड फ्रेश इशू, फ्रेश इशू हुआ था ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% प्रेफरेंशियल कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% प्रेफरेंशियल कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना 200, थर्ड एंट्री भाई ड्यू तो एंट्री कर ले, सीआरआर कैसे क्रिएट कर सकता है तू, पहले बायबैक की ड्यू तो कर ले क्रिएट, बायबैक को ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, 600 प्रीमियम ऑन बायबैक 300 डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक 300 डेबिट, टू इक्विटी शेयर बायबैक 900, अब क्रिएट करो सीआरआर, यहां पहले प्रीमियम को राइट ऑफ कर दो, करो क्या होगा प्रीमियम को राइट ऑफ करने का एंट्री, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, टू प्रीमियम ऑन बायबैक, है ना, टू प्रीमियम ऑन बायबैक, नेक्स्ट सीआरआर जनरल रिजर्व डेबिट टू सीआरआर, जनरल रिजर्व डेबिट टू सीआरआर, नेक्स्ट लास्ट के ये दो एंट्रीज, अच्छा पेमेंट की एंट्री नहीं हुई, सॉरी पेमेंट की एंट्री करनी थी ना, बायबैक का पेमेंट क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक 900, इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक 900, ठीक है, फिर ये दो एंट्रीज, एक वर्किंग नोट मुझे बना के दो, वर्किंग नोट 3, पहला वर्किंग नोट आपने बायबैक का किया, दूसरा वर्किंग नोट आपने बोनस का किया, तीसरा वर्किंग नोट चाहिए मुझे, कैश बैलेंस चाहिए, निकाल के दो आपको ये वर्किंग नोट करना पड़ेगा, कैश का बैलेंस, या तो आप अकाउंट बना लो डायरेक्ट, उधर क्या है कैश एंड बैंक है, हाँ कैश एंड बैंक, हाँ सबसे पहले ओपनिंग 740, फिर
इन्वेस्टमेंट सोल्ड 150. नेक्स्ट क्या प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन? फ्रेश इशू है ना, क्या बात कर रहा है यार. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू हुआ है कितना? 200. फिर इक्विटी बायबैक 900. बोनस कैश में होता ही नहीं है मैडम, बोनस कैश में होता ही नहीं है. आप देखो ना जाके कैश में एंट्री हुई है क्या. वो आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो आपको सारी एंट्रीज देखनी है कि कहां कहां कैश बैंक आपने लिखा है. जाइए टिक लगाइए, आपने टोटल कितनी एंट्रीज की हैं अभी तक? एंट्रीज टोटल कितनी की हैं अभी तक आपने? आठों एंट्रीज में कैश 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 कहां आ रहा है? कैश या बैंक? हाँ, एक आ रहा है बायबैक में, दूसरा कहां आ रहा है? इन्वेस्टमेंट में. तीसरा आ रहा है प्रेफरेंस शेयर में. चौथा कोई आ रहा है? हाँ, कुछ नहीं आ रहा है. क्लोजिंग बैलेंस 190. ये वर्किंग नोट जरूरी है. ठीक है, क्लियर. आइए बैलेंस शीट को साथ में बनाते हैं, या तुम ट्राई करोगे? हाँ जल्दी बोलो. एक काम करो, तुम भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूं. ठीक है, तुम्हारे सामने से स्क्रीन नहीं है, मैं नोट करता जा रहा हूं, मतलब मैं अपना सॉल्व करता जा रहा हूं, तुम भी ट्राई करो. क्लियर, फिर मैच करते हैं. चलो, ऑब्वियसली वर्टिकल. वो साइड वाली क्या बोली तेरे को, है ना? ऑब्वियसली वर्टिकल. बैलेंस शीट ऑफ टोक्यो लिमिटेड एज ऑन, कोई डेट है क्या? और अगले दिन कुछ तो अपन मान के चलते हैं, 1 अप्रैल की डेट मान के चलते हैं. 1 अप्रैल 11 13 11
बना क्या? लाइब्रेरी पोर्शन हो गया, बैलेंस शीट टोटल कितना आया? 5962। हाँ 5962। नोट्स टू अकाउंट्स बनाए थे क्या? जरूरी है बनाना, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। चलिए देखते जाइए, अगर देखना हो तो करूं। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले कैपिटल। हाँ कैपिटल का कायदे से नोट्स बनना चाहिए था, क्योंकि इस बार कैपिटल में दो चीजें हैं, इक्विटी कैपिटल भी है, प्रेफरेंस कैपिटल भी है, तो एक नोट नंबर वन बनना चाहिए था हमने। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी सॉल्व किया, नोट नहीं बनाया, वो अलग बात है, नोट बनना चाहिए था। आपका कैपिटल आएगा सबसे पहले 2250 प्लस 200। 2250 क्या है? 2250 आपका इक्विटी कैपिटल है और 200 आपका प्रेफरेंशियल कैपिटल है। आप चेक कर लो कैसे आया, मैं आपको ये 2250 बता देता हूँ कैसे आया। आपकी पुरानी बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल कितना है, कैलकुलेटर उठा लीजिए। आपकी पुरानी बैलेंस शीट में इक्विटी कितना है? 2000। बायबैक किया 600 रुपये का, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बायबैक किया 600 का, माइनस करो
बोनस किया 450 का, प्लस करो कितना आया 2250, ये आपका आ गया 2250 इक्विटी कैपिटल, और आपके 200 का एक्स्ट्रा प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना आ गया 2450। मैंने डाल दिया नोट नंबर वन पर, मैंने कहीं ना कहीं सामने बस प्लस करके लिख दिया, मैंने भी नोट नहीं बनाए, नोट मैंने भी नहीं बनाए हैं क्योंकि अपन जल्दी में बिग सॉल्व कर रहे थे, बाकी कायदे से एग्जाम में अपन नोट बनाएंगे, ये फेस पे अपन ऐसे नहीं दिखाएंगे फिगर्स। इंस्टीट्यूट की बात याद रखना हमेशा, इंस्टीट्यूट आपने जितने भी आप आंसर देखोगे इंस्टीट्यूट के, इंस्टीट्यूट कभी भी फेस पे फिगर्स नहीं दिखाता, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस सबसे पहला क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम जीरो हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम जीरो हो गया कि नहीं? yes. जल्दी बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम जीरो हो गया। जनरल रिजर्व 530, कैसे? 400 का सीआर, फिर सीआरआर 400 में से 400 चला गया क्योंकि बोनस चला गया। सीआरआर आपने 400 बनाया था पर आपने बोनस भी तो दे दिया, आपने बोनस भी तो दे दिया, ठीक है। अच्छा, और पीएनएल, पीएनएल में 2 ऐड हुआ, 342। तो कुल मिला के जो भी मैंने ये फेस पे लिखा है वो सब नोट्स में आता है, ये कितना आ गया 872। बैलेंस शीट बनाने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? अगर आपने क्वेश्चन में एंट्री की हुई है तो बैलेंस शीट बनाने का बेस्ट तरीका यह है कि एंट्री देख देख के वो आइटम काटते जाओ, एंट्री वाला आइटम काटते जाओ कि हाँ यार ये आइटम हो गया मैंने बैलेंस शीट में डाल दिया, ये आइटम हो गया मैंने बैलेंस शीट में डाल दिया। तो जैसे कुछ लोग सीआरआर में उलझ रहे होंगे कि सीआरआर जीरो कैसे आया, ऐसा सीआरआर तो 400 है, तो आपको एंट्री में ही दिख जाएगा कि यार एक और तो सीआरआर डेबिट हुआ है, जहां सीआरआर क्रेडिट हुआ है 400 वहां सीआरआर डेबिट भी तो हुआ है बोनस के केस में। तो आप एंट्री को काटते जाओ कि हाँ ये आइटम हो गया, ये आइटम हो गया, ये आइटम हो गया, ऐसे आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। चलिए, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, नेक्स्ट। थोड़ा तेज बोलो, सुनाई देना चाहिए। वेरी गुड, आपको हेडिंग डालना था नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा 12% डिबेंचर। डायरेक्ट अगर लिख दिया नॉन करंट लायबिलिटी में 12% डिबेंचर तो गड़बड़ है, क्योंकि आपको एग्जाम में तो हेडिंग डालनी पड़ेगी, एग्जाम में हेडिंग डालनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर हेडिंग नहीं आती कभी भी जिंदगी में, हेडिंग आती है ट्रेड पेबल, है ना। करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या हेडिंग आती है? ट्रेड पेबल आता है, सन्ड्री क्रेडिटर वर्ड आता ही नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर नोट्स में लिख सकते हो ट्रेड पेबल दिखा के, ठीक है ना। तो ट्रेड पेबल आएगा, और दूसरा क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो प्रॉपर वर्ड है बैलेंस शीट का। यार हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है यार शेड्यूल 3 के ऊपर, है ना, उस चीज का ही मतलब कुछ उसी चीज के ऊपर इंपॉर्टेंस है अपनी, हम लोग हमेशा शेड्यूल 3 को ध्यान में रखते हुए बैलेंस शीट बनाएंगे। ऐसा नहीं कि शुरू के 2 दिन की क्लासेस थी वो फ्री फोकट की थी, स्टार्टिंग के 2 दिन हमने शेड्यूल 3 के ऊपर काम किया। उसका रीजन यही था कि जब भी तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही बनाओगे, एटलीस्ट तुम्हें ये नाम याद होने चाहिए। अगर टीचर भी गलतियां करेगा, मैं भी अगर आपको यही क्रेडिटर बोल के ये सब बोल के करूं तो फिर 2 दिन की क्लास का कोई सेंस नहीं है। तो आप फॉलो करिए शेड्यूल 3 को प्रॉपरली, है ना, आप फॉलो करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये हो गया क्लियर। अब क्या? असेट्स, असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट के अंदर, नॉन करंट असेट के अंदर पीपीई इज द हेड। पीपीई का एक नोट बनेगा जिसके अंदर आएगा मशीनरी और फर्नीचर, तो ये हो गया पीपीई। सामने देखिए बोर्ड पे पीपी आ गया, पीपीई के अंदर मशीनरी और फर्नीचर, कायदे से मशीनरी फर्नीचर फेस पे नहीं आएगा, मुझे उसको नोट्स में डालना चाहिए। आ रही है बात समझ में कि नहीं? बोलो ना यार। नेक्स्ट क्या? इन्वेस्टमेंट तो जीरो, सेल हो गया। अच्छा नेक्स्ट, करंट असेट्स, करंट असेट में स्टॉक वर्ड नहीं आता, इन्वेंटरी वर्ड आता है, स्टॉक वर्ड नहीं आएगा कभी भी, ठीक है ना। शब्दों का सही चयन करोगे 2 से 5 नंबर एक्स्ट्रा ही मिलेंगे एग्जाम में तुम्हें, मैं बता रहा हूं। तुम सॉल्यूशन सही करके आओ, तुम सारे फिगर सही करके आओ, पर अगर तुमने शब्दों का सही चयन नहीं किया ना, इंस्टीट्यूट माफ नहीं करेगा, 2 से 5 नंबर का फर्क आ जाता है चेकिंग में। चलिए, इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स नहीं, और तीसरा क्या? कैश एट बैंक नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट,
कैश एंड बैंक नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसको आप ब्रैकेट में दिखा सकते हो वर्किंग नोट थ्री। ठीक है, तो शब्दों का सही चयन करिए ताकि आपके एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट ना हो। क्लियर? एनीवेज, मेरा फोकस आज की क्लास में आपने देख लिया होगा, मेरा फोकस कहीं ना कहीं बायबैक की वर्किंग के ऊपर रहा ही नहीं है। जब से मैंने अभी अकी क्लास शुरू की है, मेरा फोकस बैलेंस शीट पे ज्यादा रहा है। कल की क्लास में मेरा फोकस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा था, हम बायबैक की वर्किंग पे ज्यादा बात कर रहे थे, सीआरआर क्यों बनता है, आउटस्टैंडिंग टेस्ट, ये टेस्ट। अभी की क्लास में मेरा आपका फोकस क्या है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, बैलेंस शीट बननी चाहिए। आप मेरे साथ साथ बना रहे हैं, एक एक करके कहां कहां गलतियां कर रहे हैं वो नोट करते जाओ, ताकि माइंड में नोट करते जाओ ताकि अगली बार वो ना हो। तो कल की क्लास वॉज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओ माय गॉड, वो आ गया, देखो वो आ गया। वी आर अबाउट टू टेक अ ब्रेक इन 5 मिनट्स, तो हम 5 मिनट्स में कंटिन्यू करते हैं। आइए सर, आपका मोस्ट 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 वेलकम। कुछ नहीं, अभी चलो सीधा। हाँ, तो आज की क्लास में हमारी प्रैक्टिस ज्यादा है। आपने देखा होगा आज अपन ने कॉन्सेप्ट कहाँ डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस नहीं किया। ठीक है ना, मुझे पता है तुम मुझे नहीं सुन रहे हो, तुम किसी और को देख रहे हो। ठीक है, मुझे पता है, पर फिर भी मैं बोल रहा हूं, मुझे देखो, मैं भी ठीक ठाक दिखता हूं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हमारा आज बैलेंस शीट पर फोकस इसलिए है क्योंकि शब्दों का सही चयन करना जरूरी है। बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक वर्ड लिख के आओगे, मार्क्स कटेंगे, इन्वेंट्री वर्ड लिखो, डेटर्स वर्ड लिख के आओगे, मार्क्स कटेंगे, ट्रेड रिसीवेबल करके वर्ड लिखो, कैश बैंक बैलेंस लिख के आओगे, मार्क्स कटेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्ड लिखो। मतलब जो शेड्यूल 3 में वर्ड प्रेस्क्राइब किए गए हैं उन्हीं वर्ड्स को आप लिखोगे तो चलेगा। अब सुबह अपन देख रहे हैं कि बार बार अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही अपन ये चीज समझ रहे हैं। वापस आते हैं नोट्स पे, हमारे क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया अभी के अभी, सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, फिफ्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ब्रेक के बाद करेंगे अपन। सिक्स्थ वो दूसरे कॉन्सेप्ट पर है, बायबैक के ऊपर नहीं है, मतलब बायबैक की बात कर रहा हूं वो, ये जो है वो बायबैक नहीं है, ये है डिफरेंशियल राइट्स, वो एक ही छोटी सी पॉइंट है, वो छोड़ दो, मतलब अपन ब्रेक के बाद समझेंगे, अभी छोड़ दो। तो अपना एक ही क्वेश्चन बचा है ये वाला। आपको याद है अपन ने कल की क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट और डेट इक्विटी टेस्ट, ये क्वेश्चन उसके ऊपर है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया डायरेक्ट 16 मार्क्स का आएगा, 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसका वेटेज 16 मार्क्स का है। तो ये क्वेश्चन अपन ब्रेक के बाद करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, होमवर्क क्वेश्चंस में आ जाओ। मैंने कौन सा क्वेश्चन आपको कल होमवर्क दिया था, 8th हो चुका है आज, मतलब अपन ने डिस्कस कर लिया, 7th बचा है। मुझे 7th पढ़ के बताओ कि कर पाओगे कि नहीं। आरटीपी नवंबर 2010 का था, पढ़ के बताओ होमवर्क क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं, जस्ट ऊपर ऊपर से एक बार देख लो। इजी है, क्या बोल रहा है, 1,00,000 शेयर्स कंपनी परचेज कर रही है, मतलब बायबैक कर रही है, कितने में, 25 रुपए। ठीक है, आउट ऑफ, साफ साफ लिखा है क्या, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, मतलब फ्रेश इशू नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने आज ही किया था कि नहीं किया, कौन सा वाला क्वेश्चन था, थर्ड वाला क्वेश्चन था, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन था, ऑल्सो रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द सेम डेट। ठीक है, द पेमेंट फॉर द अबव वर मेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द करंट असेट्स। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। मेरे हिसाब से आराम से हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 जाके कर लोगे, और जिन नालायकों ने क्वेश्चन नंबर 8 अभी तक ट्राई नहीं किया कि उनको वो ट्राई 8 वाला भी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा 9, अभी अपन 9 की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपने को वो क्वेश्चन पेंडिंग है, वो करना है। यहां तक बात क्लियर होगी नहीं। आज हमारे सामने एक स्पेशल गेस्ट, सेलिब्रिटी, ओ सॉरी सॉरी माय मिस्टेक,
माय मिस्टेक। हमारे सामने आज एक बहुत ही महान सेलिब्रिटी, श्री 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 1008 विजय सारदा जी पेश हो रहे हैं। आइए सर, मतलब मैं क्या ही आपका नाम लूँ, मतलब मेरा तो कोई है ही नहीं इसमें, मतलब अब मेरा सौभाग्य मेरी क्लास में आज विजय सर पधारे हैं। एक सेकेंड। गाना तो मतलब यही अच्छा गाते हैं, मैं तो क्या ही गाऊंगा। गाना तो सर, खैर सर ही अच्छा गाते हैं। बड़ा यू नो इट्स ऑलवेज अ प्रिविलेज कि मैं इतने शर्ट अरे मैं बताऊं ना, ये अचानक आदमी रोमांटिक हो जाता है कभी भी। सो शेयरिंग दिस डाइस विथ जय सर, जाहिर सी बात है अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राउड फीलिंग है। और बस आप सभी को एक ही बात बोलूँगा जो मैं हर बार कहता हूँ, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। यस, सो मजे करो, जाओ जाके जल्दी से ब्रेक लेके आओ। वैसे भी तुम बहुत फ्रेश दिख रहे हो। कुछ कुछ करवाओगे नहीं तुम लोग, कुछ बोलोगे नहीं, ऐसे ही मतलब। तो मैं सब करने के लिए रेडी हूँ। सूखा सूखा नहीं, मैं ना ऑलमोस्ट परसों वापस एक अच्छा गाना प्रिपेयर करके आता हूँ और डांस भी करूँगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? तो मैं डांस भी कर लूँगा परसों। नहीं नहीं आज नहीं ना, आज कैसा है मेरे को उनके साथ एक बहुत अर्जेंट काम है। आधा करवा लो। आधा, हाँ आधा, आधा। तो मैं परसों ये पूरा करूँगा, क्योंकि क्या है, अरे आधा अधूरा करना मेरे को कभी नहीं जमता, चाहे वो कुछ भी हो। तो सर जल्दी से ब्रेक लेकर के आ जाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कुछ नहीं मतलब, अरे परसों सर बाय बोलो बाय बोलो बच्चों। अच्छा मैं क्या बोल रहा था कि अपना क्या डिसाइड हुआ था कि शाम को अपन कभी कभार चाय वाय पीते रहेंगे, पार्टी वार्टी करते रहेंगे, है ना? तो मैंने क्या बोला था कि कभी कोई आ गया अपने से मिलने, विजय सर आ गए, कभी विशाल सर आ गए, तो अपन करते रहेंगे। तो मैं क्या बोलता, मतलब थोड़ा देखो ना क्या ये बोले कि मतलब कोई आए, कोई ऐसा गेस्ट आएगा, सेलिब्रिटी आएगा, वो अपनी तरफ से अपने को चाय पानी। मेरा बर्थडे बाकी है। बर्थडे रिकवर है बाकी है। अच्छा कॉन्टिंजेंट एसेट ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। सही है सही है सही है। जिस दिन कुछ आएगा उस दिन कुछ आएगा। चलो ठीक है, मतलब अभी अभी अपन सूखा सूखा ही अपन मिल लेते हैं, है ना? अपनी एसएम की क्लास जब शुरू होगी तब तो अपन और बात करेंगे, अपन फिर अपन सूखा सूखा बात नहीं करेंगे, ठीक है? चलो टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। सर छोड़ो बच्चों को, देखो कितने थक गए यार ये। कहा कोई दिख रहा है थका हुआ? कोई थकेला दिख रहा है? कितने 8 बजे तक देखो सर इसकी गर्लफ्रेंड नहीं पट रही। ये आदमी के बाल सफेद हो गए, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं पट रही तुम्हारे चक्कर में। वो बोलता है मेरे पास समय नहीं, कब करूं। वो आदमी देख रहे हो कुछ दिनों बाद एक्सटिंक्ट होगा वो डायनासोर के जैसा।
हेलो हेलो ऑल राइट, सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अपन कर रहे हैं एक और क्वेश्चन. कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने योग्य क्वेश्चन है. ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल एग्जाम्पल देखा था. कुछ एग्जाम्पल याद है आपको? ये एग्जाम्पल था. ये बोर्ड पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है कि नहीं? हाँ, क्या लिखा? एग्जाम्पल किस बारे में था? हमें क्या निकालना था? मैक्सिमम परमिसिबल, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ शेयर्स को बायबैक किया जा सकता है कंपनी एक्ट के अनुसार, ताकि कोई भी लॉ ब्रेक ना हो, कोई भी कंडीशन ब्रेक ना हो. तो हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट टेस्ट होंगे उसके लिए. कौन कौन सा टेस्ट? जल्दी बोलो, कौन कौन सा टेस्ट? शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट. शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं? हम नंबर्स को लेते हैं. किसको लेते हैं? किसको लेते हैं बेटा? नंबर्स को. और नंबर्स के ऊपर क्या परसेंटेज लगाते हैं? 25%. सीधा सिंपल, हम नंबर्स को लेते हैं, नंबर्स के ऊपर 25% लगा लेते हैं. इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है. दूसरा टेस्ट कौन सा होता है? रिसोर्स टेस्ट. अच्छा, जो पहला टेस्ट होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है, पर जो दूसरा टेस्ट है वो नंबर्स में होता है क्या? वो अमाउंट में होता है. किस में होता है? अमाउंट में होता है. दूसरा टेस्ट जो होता है वो अमाउंट में होता है. और हम यहां पर क्या लेते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स. क्या क्या लेते हैं बेटा यहां पर? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस हम पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का टोटल वैल्यू का क्या करते हैं? 25%. आपको याद आ रहा है कि आप ऐसे ही बस हां हां करते जा रहे हो? याद आ रहा है? हमने पेड अप शेयर कैपिटल लिया, हमने फ्री रिजर्व्स लिया, टोटल हमने निकाला, टोटल रिसोर्सेस का 25% किया, 51,25,000 आया. रुक जाइए, डिवाइड की बात नहीं कर रहा हूं. ये 51,25,000 का क्या मतलब है? इसका इसका लॉजिक ये क्या है? ये 51,25,000 इतना अमाउंट के फॉर्म में हम इतना बायबैक कर सकते हैं. अमाउंट के फॉर्म में हम इतना बायबैक कर सकते हैं. और अगर एक शेयर बायबैक कर रहे 30 रुपीज में, तो यहां से हमें नंबर्स मिल जाता. आई बात समझ में कि नहीं? तो डिवाइड बाय हमने 30 रुपीज क्या किया? 30 रुपीज क्या था? बायबैक प्राइस. तो ये हमें आ गया नंबर ऑफ बायबैक. मुझे बताइए यहां तक ठीक ठीक है कि नहीं? बोलो बेटा, याद है, क्लियर है कि नहीं? ओके, क्लियर. तीसरा टेस्ट कौन सा था? डेट इक्विटी टेस्ट. डेट इक्विटी, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि डेट इक्विटी टेस्ट में हमें एक वर्किंग करनी पड़ती है, एक्स मानना पड़ता है. कुछ याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, आइए. डेट इक्विटी टेस्ट. डेट इक्विटी टेस्ट क्या बोलता है? कि आफ्टर द बायबैक आपका डेट इक्विटी रेशियो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? टू. अच्छा, इसमें टू क्या है और वन क्या है? टू डेट है और वन इक्विटी है. मतलब इक्विटी का जस्ट डबल हो सकता है, डबल से ज्यादा नहीं हो सकता. डेट जो है जब डबल से ज्यादा नहीं हो सकता. अब इसको दूसरी भाषा में पूछूं कि डेट
टू है, इक्विटी मिनिमम वन होना चाहिए, वन से नीचे नहीं होना चाहिए। नहीं समझे क्या? डेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, इक्विटी कम नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड और नॉट? और ये रेशियो लिखा है डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1 आफ्टर द बायबैक। ये बायबैक के बाद आपको चेक करना है। बोलो बेटा। इस केस में यहां पर आपके सामने डेट्स दिए हुए हैं। कितने के डेट्स दिए हुए हैं? कितने के डेट्स दिए हुए हैं? 3 करोड़। बायबैक के बाद भी तो डेट यही रहेंगे ना? बायबैक के बाद भी डेट, ठीक है। अच्छा, इक्विटी, इक्विटी बायबैक से पहले कितना था? 2 करोड़ 5 लाख। कैसे आया 2 करोड़ 5 लाख? इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व किया, 2 करोड़ 5 लाख आ गया। पिछले रिसोर्स टेस्ट में भी आपका 2 करोड़ 5 लाख था। अरे बोलो यार। अच्छा, ये इक्विटी था, पर आफ्टर बायबैक आपकी इक्विटी कितनी होनी चाहिए? तो हमने बोला डेट का जस्ट आधा, मिनिमम। मिनिमम बोलते ना इक्विटी कितनी होनी चाहिए, इक्विटी मिनिमम होनी चाहिए, इतनी कम से कम। बोलो ना कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ 62 लाख 50,000। तो यहां ना, अब यहां पर देख के ना इतना आसान लग रहा है, लग रहा है ओके, इक्विटी बिफोर बायबैक 2 करोड़ 5 लाख है, इक्विटी आफ्टर बायबैक 1 करोड़ 62 लाख 50,000 है, बच 20 का डिफरेंस, 20 का जो डिफरेंस आएगा डिवाइड बाय 30 कर लो, हमारा बायबैक का नंबर आ जाएगा। तो हमने यहां पर एक गलती ढूंढी थी, याद आ रहा है कि नहीं? मैंने क्या बोला? इसके बीच का जो डिफरेंस है, दिखने में कॉन्सेप्चुअली हम सही सोच रहे हैं कि हाँ बिफोर बायबैक कितना, आफ्टर बायबैक कितना, बस डिवाइड बाय 30 करो तो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक आ जाएंगे। बट हम यहां पर एक चीज भूल रहे थे। कौन सी चीज भूल रहे थे? CRR। तो हमने क्या बोला? हमने बोला ओके, एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं बताओ? क्या माना हमने? हमने जितने बायबैक करना है उसको हमने क्या मान लिया? एक्स। क्या मान लिया? एक्स। और हमारे बायबैक प्राइस कितना है? अब सोचो थोड़ा सा ना, दिमाग चलाओ। 30 रुपीज का बायबैक प्राइस है, मेरी सुनिएगा ध्यान से, 30 रुपीज का बायबैक प्राइस है, उसमें 10 रुपए फेस वैल्यू है और 20 रुपए, तो 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो सबसे पहले 10 x फेस वैल्यू से गिर जाएगा। जब बायबैक करेंगे तो बायबैक के कारण इक्विटी गिरेगा कि इक्विटी बढ़ेगा? हाँ, वो तो दिख ही रहा है कि बिफोर बायबैक आपका इक्विटी कितना था? 2 करोड़ 5 लाख। अरे इक्विटी मैडम 2 करोड़ 5 लाख, और आफ्टर बायबैक इक्विटी कितना होना चाहिए? तो इसका मतलब दिख रहा है कि इक्विटी गिर रही है, तो गिरेगी। अब गिरेगी तो किस किस कारण से गिरेगी? उसके चार रीजन, एक सेकेंड, चार नहीं, 3 रीजन ढूंढने थे अपन ने। 3 रीजंस, व्हाट आर दोस 3 रीजंस? रीजन नंबर 1, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ। अब हमें शेयर कैपिटल रिड्यूस करना है, हमें क्या पता कि कितना शेयर कैपिटल रिड्यूस होगा? तो हमने एक्स क्या माना है? नंबर्स। हमने एक्स क्या माना है? और इनटू फेस वैल्यू करेंगे तो शेयर कैपिटल हो गया। तो 10x से हमारा क्या गिरा? शेयर कैपिटल। 10x से क्या गिरा? शेयर कैपिटल। अच्छा, 30 रुपीज के शेयर में 10 रुपया फेस वैल्यू है, तो बाकी का 20 रुपीज प्रीमियम का क्या होगा? प्रीमियम एक नुकसान है, लॉस है। लॉस का क्या होता है? राइट ऑफ होता है। लॉस को क्या करते हैं? किधर जाके राइट ऑफ करोगे? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व क्या होता है? इक्विटी का पार्ट। तो अगर फ्री रिजर्व से राइट ऑफ करोगे, जो कि इक्विटी का पार्ट होता है, तो आपका इक्विटी गिरेगा। तो आपका इक्विटी कितने से गिरेगा? प्रीमियम की वैल्यू से। प्रीमियम कितना है? 20। इनटू एक्स करेंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगी, तो 20x इज अ प्रीमियम, 20x से आपका इक्विटी गिर जाएगा। अरे यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम बस ये दो चीजें कंसिडर कर रहे थे, तीसरी चीज भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है CRR का कॉन्सेप्ट? एक्चुअली CRR जब हम बनाते हैं तो हम फ्री रिजर्व्स को ब्लॉक कर लेते हैं, और CRR जो होता है वो तुम्हारा इक्विटी का पार्ट नहीं होता, इक्विटी का पार्ट तो कहीं ना कहीं, और फ्री रिजर्व तुम्हारा इक्विटी का पार्ट होता है। जैसे ही तुमने फ्री रिजर्व कम कर दिया, CRR बना दिया, तो इक्विटी गिर गया। गिरा कि नहीं? और कितने से गिरा? फेस वैल्यू। तो फ्री रिजर्व बिकॉज ऑफ CRR रिड्यूस बाय फेस वैल्यू, दैट इज 10x। समझ आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो। हाँ, तो ओवरऑल इफेक्ट कितने से गया? ओवरऑल इफेक्ट कितने से गया?
तुम्हारा 40x से इक्विटी, बोलना यार, तुम्हारा 40x से क्या हो रहा है, इक्विटी गिर गया। और अगर अमाउंट के फॉर्म में बात करें तो तुम्हारा अमाउंट के फॉर्म में कितना इक्विटी गिर रहा है, 2,05,00,000 माइनस 162,550। यस नहीं करने का है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने का है। हाँ, अब सोचो अमाउंट के फॉर्म में इक्विटी कितना गिर रहा है, 42 लाख, और एक्स के फॉर्म में इक्विटी कितना गिर रहा है, 40x। बस उसको डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बोलो बेटा, 1,06,250। तो 1,06,250 आया, ठीक है। तीसरा टेस्ट के अकॉर्डिंग 1,06,250 का हमारा बायबैक होना चाहिए। अब हम तीनों टेस्ट को हम कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे भाई मैक्सिमम इतना हमारा बायबैक हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? क्या बात है, तू बहुत खुश हो रहा है। एक इंसान जब खुश होता है ना तो अपने आप में ही मतलब हंसता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है उसको, आज अच्छा लगा मुझे। तो कुछ तूने ऐसा कुछ किया मतलब तूने, है ना, पक्का? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं बायबैक प्राइस बायबैक प्राइस 70 रुपीज है और इसमें फेस वैल्यू 10 रुपीज है, अरे बोलो, जब तुम वो एक्स वाली कंडीशन बनाते हो तो फेस वैल्यू में क्या आएगा, 10x। हाँ, प्रीमियम में क्या आएगा, 60x। सीआरआर में क्या आएगा, 10x। टोटल कितना हो गया, 80x। अब एक चीज बोलूं, इधर कितना था, 30 का बायबैक प्राइस था, एक्स के फॉर्म में कितना हो रहा था, 40। यहां 70 है, एक्स के फॉर्म में कितना हो रहा है, हाँ? अगर मैं बोलूं कि 50 बायबैक प्राइस है तो एक्स के फॉर्म में कितना होगा, सिंपल कंडीशन बस ये है कि फेस वैल्यू 10 रुपए होनी चाहिए, है ना? अरे समझेगी नहीं? पक्का? 50 रुपीज अगर बायबैक प्राइस है तो कहीं ना कहीं एक्स क्या बनेगा, 60x, क्योंकि हम सीआरआर क्रिएट कर रहे हैं हम साथ साथ। बोलिए बेटा, सही है, समझ में आया कि नहीं? yes, पक्का? yes, आइए इस क्वेश्चन पे। आइए इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फाइव बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेटर, पेन, सब चीज ध्यान से रखें और कॉन्सेंट्रेशन आपका होना चाहिए। जवाब नहीं दोगे तो डांट खाओगे इमीडिएटली, ध्यान से। इक्विटी कैपिटल 10 each। अच्छा चलो, ये तो समझ आ गया कि फेस वैल्यू 10 रुपए ही है, फेस वैल्यू 10 रुपीज है। कितना है, 330 crores। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व 240, सिक्योरिटी प्रीमियम 90, प्रॉफिट एंड लॉस 90, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये क्या होता है, पर्टिकुलर फंड है, ये एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है, क्या ये फ्री रिजर्व का पार्ट है, नहीं, तो इसमें लिख दो नो, नॉट अ फ्री रिजर्व। नॉट अ फ्री रिजर्व, ये फ्री रिजर्व नहीं है, क्लियर। और लोन फंड्स, लोन फंड्स कितना, लोन फंड्स कितना, 1800। द शेयर होल्डर्स ऑफ पैरट लिमिटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अप्रूव्ड ऑन 12/9/2011 अ प्रपोजल टू बाय बैक द मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसेबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंसीडरिंग, कंसीडरिंग के आगे क्या लिखा है, जानबूझ के पढ़वा रहा हूं, देखो उसका रेलेवेंस है कुछ, कंसीडरिंग मतलब, वेरी गुड, लार्ज सरप्लस फंड्स
अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ कंपनी. कंपनी के पास अच्छा खासा फंड्स रखा है, इसका मतलब कंपनी फ्रेश इशू नहीं करेगी, इसका मतलब कंपनी सीआरआर नहीं बनाएगी. क्या हो गया बेटा तेरे को? नहीं, वो एक अलग बात चल रही थी, वो शेड्यूल 3 के टाइम पर मैंने जब बताया था. मैं यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं सीआरआर क्रिएट करना है कि नहीं करना है. पॉइंट क्या है? अगर कंपनी के पास फंड्स हैं तो कंपनी फ्रेश इशू नहीं करेगी. फ्रेश इशू नहीं करेगी मतलब फ्री रिजर्व का यूज करेगी. फ्री रिजर्व का यूज करेगी मतलब सीआरआर बनाएगी. The prevailing market value of the company's share is 25 per share. In order to induce the existing shareholders to offer their shares for buyback, it was decided to offer a price of 20% over the market. मतलब वैसे तो आज मार्केट में वैल्यू चल रही है 25 रुपए. अट्रैक्ट करने के लिए हम कह रहे हैं कि 30 रुपीज पे कर लेते हैं. 30 रुपीज पे तो बताइए बायबैक प्राइस क्या होगा? अगर बायबैक प्राइस 30 रुपीज है, अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो बताइए एक्स वाली कंडीशन क्या बनेगी? 40x. यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई द इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट. बता दिया मतलब क्या? इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए हमने ये रिजर्व बनाया. मतलब ये हम इसको फ्री रिजर्व. सर अगर ये लाइन नहीं दी होती तो भी हम यही अज्यूम करते, कि हाँ ये एक स्टैट रिजर्व है. स्टैट मतलब स्टैटरी रिजर्व है और हम इसको फ्री रिजर्व नहीं मानेंगे. ठीक है. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इन द लाइट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन. ऑल्सो अंडर अ सिचुएशन व्हेन द लोन फंड्स ऑफ द कंपनी वर ईदर 1200 crores और 1500 crores. ठीक है, वो बात की बात है. Assuming the entire buyback is completed by 9/12, show the accounting entries in the company's book in each situation. चलिए शुरू करते हैं. कितने टेस्ट होते हैं? हाँ, तो इसमें लिखिए सबसे पहले पॉइंट. In order to calculate मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी, बायबैक वी शैल apply following three tests. We shall apply following three tests. ठीक है, चलो पहला shares outstanding test. मुझे आप solve करवाओ ना यार, please solve करवाओ please जल्दी. कितने हमारे पास आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स? कितने हैं आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स? 33 करोड़ नंबर्स. हाँ, हम बोलेंगे मैक्सिमम बायबैक एट 25%. बोलो 8.25 numbers. 8.25 numbers. Understood, guys? बोलिए, क्लियर?
नेक्स्ट रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट में हम क्या क्या लेते हैं? हाँ तो मुझे बताओ, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 330 crores। हाँ प्लस क्या क्या आएगा, एक एक करके नाम लो ना। हाँ कितना? 240। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 90, पी एंड एल 90, हो गए टोटल रिसोर्सेस। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, मैं अमाउंट लिख रहा हूं यहां पर, याद है ना क्यों? बोलो 187.5 crores। बायबैक प्राइस क्या है? 30 पर शेयर। तो मुझे बताओ नंबर्स कितने हो गए? देयरफोर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बायबैक, मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक, सही है, 187.5 डिवाइडेड बाय 30 कितना? 6.25 crore नंबर्स। तो आप दो कंडीशन को फुलफिल कर चुके, हम दो कंडीशन कंप्लीट कर चुके हैं। दो कंडीशंस के अनुसार विच एवर इज लोअर क्या आ रहा है? 6.25। बट अभी भी रुक जाओ, अभी भी एक और कंडीशन बचा हुआ है। कौन सा कंडीशन बचा हुआ है? डेट इक्विटी टेस्ट। इस डेट इक्विटी टेस्ट में आप देखिए डेट्स कितने पर, वो नीचे भी कुछ और टाइप के अलग अलग डेट्स दे रहा है। वो कह रहा है कि क्वेश्चन में आपके पास, क्वेश्चन पढ़िए सब लोग, क्वेश्चन में आपके पास डेट्स कितने पर वो फिर नीचे बोल रहा है कि मान लो अगर डेट्स 1200 हो जाए तो, मान लो अगर डेट्स 1500 हो जाए तो, तीन सिचुएशन में। तो सिचुएशन वन डेट कितना? 1800। सिचुएशन टू डेट कितना? 1200। और सिचुएशन थ्री डेट कितना? 1500। क्लियर? बोलो। वापस से यहां पर डेट लिख रहा हूं, डेट 1800, 1200, 1500। इसको करो पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, इक्विटी बिफोर बायबैक। इक्विटी बिफोर बायबैक 330, सिर्फ कैपिटल आता है? ये सिली मिस्टेक जब एग्जाम में होती है ना और हम जब घर आते हैं तो कितना गिल्ट फील होता होगा, अरे यार 750, तीनों जगह 750, ठीक है। सी
इक्विटी आफ्टर बायबैक शुड बी ब्रैकेट में लिख दो हाफ ऑफ डेट, डेट का हाफ होना चाहिए ना, करो 900, 600, 750. अब कंपेयर करो बी वैल्यू और सी वैल्यू को, बी वैल्यू और सी वैल्यू को कंपेयर करो यार, इक्विटी बिफोर बायबैक कितना है? पहला सिचुएशन, सिचुएशन वन, मैं कह रहा हूं बायबैक से पहले 750 है, बायबैक के बाद 900 होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज अ नॉट पॉसिबल सिचुएशन। मतलब अगर सचमुच में मेरे पास डेट्स 1800 रखे हैं और मेरा इक्विटी 750 है तो मैं, मेरा रेशियो वैसे भी 2:1 से ज्यादा है, और ऐसे केस में तो मुझे बायबैक करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वैसे ही मेरा रेशियो 2:1 से ज्यादा है, मैं बायबैक करूंगा तो और ज्यादा हो जाएगा, तो यहां कोई सेंस बायबैक करने का नहीं बनता। बोलिए बेटा, दूसरे सिचुएशन में आइए, 750 है, 600 होना चाहिए कम, हाँ ठीक है, ये सिचुएशन समझ में आता है, 750 है, 750 होना चाहिए, मतलब नो बायबैक, तो यहां पर डी नंबर पॉइंट कर दीजिए, नंबर ऑफ बायबैक 0 और तीसरे वाले में 0, हाँ, और यहां कर दो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि ये था आपका वर्किंग, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 कर दो बस, वर्किंग नोट नंबर 1, हम इसकी वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है, चलो आ जाओ वर्किंग नोट पे आ जाओ, वर्किंग नोट पे आ जाओ, इक्विटी बिफोर बायबैक माइनस बायबैक इफेक्ट इज इक्वल टू इक्विटी आफ्टर बायबैक, यही होता है, चलो वैल्यूज बताओ क्या क्या होगी, अच्छा ऊपर लिख दो अज्यूम नंबर ऑफ बायबैक एक्स, अज्यूम नंबर ऑफ बायबैक एक्स, चलो बोलो 750 करोड़ माइनस, मैं आपको एक बात बताऊं, ये 40x मैंने तो आपको बता दिया, शॉर्टकट आपको समझ में आ गया कैसे निकल रहा है, पर इस 40x को आपको वर्किंग करनी पड़ेगी नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, चेकर बोलेगा 40x कहां से लाए तुम, मैंने तो शॉर्टकट बता दिया आपको ये, ठीक है, चलो 40x इज इक्वल टू 600 करोड़, बताओ x की वैल्यू क्या है, 3.75 करोड़, और ये नंबर्स है, ठीक है, पहले मैं स्टार लगाया था मैंने यहां पर डबल स्टार, मैं नंबर नीचे डबल स्टार लगा के इसको सॉल्व कर रहा हूं कि ये 40x कैसे आया, बायबैक इफेक्ट, इसमें हम लिखेंगे रिडक्शन इन फेस वैल्यू 10x, आप सब जानते हो बेटा, आपको सब मुझे बताना चाहिए, आपको तो बताना चाहिए, बोलो सेकंड रिडक्शन इन फ्री रिजर्व ड्यू टू राइटिंग ऑफ प्रीमियम 20x, तीसरा रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स ड्यू टू ट्रांसफर टू CRR
इक्वल टू फेस वैल्यू. सो इट बिकम्स 40x. तीनों टेस्ट का कंपैरिजन करके विच एवर इज लोअर निकालो. सर हमेशा क्या थर्ड टेस्ट ही में ही कम आएगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है. 3.75 crores. हाँ ऑब्वियसली लिखना ही पड़ेगा. क्या कंक्लूजन करेंगे जल्दी बोलो. यहां पर मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं. चलो बाय सॉल्विंग अबव 3 टेस्ट it is found out that maximum permissible buyback should be 3.75 crore numbers that is lower of above test. All right. हाँ? Yes, और क्या पूछ रहा है वो? एक और चीज पूछ रहा है शायद उसी क्वेश्चन में. अब पहले सीधी बात है, तीनों सिचुएशन में अकाउंटिंग एंट्री सिर्फ सिचुएशन 2 की होगी. बताओ क्यों? अच्छा एक सेकेंड, ये आंसर किस चीज का था? ये सिचुएशन नंबर 2 का आंसर था, कंक्लूजन था. सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 3 का कंक्लूजन क्या होगा? जीरो बाय बैक. सिचुएशन नंबर 1 का आंसर क्या है? सिचुएशन नंबर 1 में डेट के केस में आपका नंबर ऑफ बाय बैक कितना है? जीरो. तो विच एवर इज लेस क्या होगा? जीरो. तीनों टेस्ट में zero. और सिचुएशन 3 में भी क्या होगा? जीरो. तो आप ये भी कर लो, सिचुएशन 1 एंड 3 नंबर ऑफ बाय बैक जीरो. तो बताओ एंट्री किस सिचुएशन में होगी? सिर्फ सेकंड सिचुएशन में. कर लोगे एंट्री कि मैं करवाऊं? सर अगर तीनों के से बायबैक पॉसिबल होता तो तीनों में एंट्री करते. जब ये पूरा वर्किंग तीनों के जरूर उनके. बोलो एंट्री कर लोगे कि मैं करवाऊं? हाँ हो जाएगी, कर लो फिर करो. करो करो. अबे ये खराब है, छोड़ो बस. कहाँ से लाया? मंडे.
एंट्री हुआ कि नहीं? मतलब मैं मानूं कि ये क्वेश्चन आपसे हो गया? ओ भाई सब लोग जल्दी बताओ, मैं मानूं कि ये क्वेश्चन हो गया आपसे? और यू वांट टू आस्क समथिंग, टेल मी, जम गया? तो क्वेश्चन नंबर 9 अभी बस पढ़ लो, बताओ कि जमेगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 तो होमवर्क हो गया, ठीक है, 8 डन, 9, मैं क्या बोलता, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो आपके क्वेश्चन नंबर 5 से इजी है, उसका एक रीजन है, उसमें क्या रीजन है आप ढूंढो, देखो क्या है। देखो एक तो उसमें 3 केसेस थे, दूसरा इसमें परमिसेबल लिमिट नहीं पूछा गया, इसमें उन्होंने बोल दिया भाई हम 25,000 करना चाहते हैं, बताओ कर सकते हैं कि नहीं, हम 25,000 करना चाहते हैं, बताओ कर सकते हैं कि नहीं, करना आपको वही है, एक्स वगैरह ही सब मानना है, और फिर विच एवर इज लोअर करके कंपैरिजन करना है 25,000 से, कि वो विच एवर इज लोअर 25,000 के आसपास क्या आ रहा है, समझा कि नहीं। एक और चीज इंपॉर्टेंट है पर इसमें, आप बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड देखो, मैंने कल बताया था आपको डेट्स में क्या क्या आता है, कल का एग्जाम्पल चेक करो, कल जब मैंने ये 3 टेस्ट वाला जो एग्जाम्पल दिया था आपको, कल का एग्जाम्पल है आपके पास जो मैंने लिखवाया था, कल के एग्जाम्पल से पहले मैंने आपको डेट्स मतलब कुछ बताया था क्या, कल के एग्जाम्पल में बताया था, कब बताया था मैंने, कुछ डेट इज इक्वल टू बताया था, डेट्स में क्या क्या आता है मुझे याद आ रहा है, मैंने बताया था यार, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, देखो ना, आई डोंट नो अब उस एग्जांपल के साथ में बताया था, पहले से बता दिया था शायद, बताया था यार, तुम लोग लिखते नहीं हो, डेट्स में क्या आता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म डेट्स, वो लोन्स और डेट एक ही चीज होता है, मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म लोन्स या फिर डेट्स, जो भी लिखो, ठीक है। अब सुनो, आप यहां पर मुझे सर्च करके बताओ इस क्वेश्चन नंबर 9 में आपके डेट्स क्या क्या होंगे, आपके डेट्स कौन कौन से हैं बताओ, डिबेंचर है, अनसिक्योर्ड लोन है, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तीनों मिलाकर आपके डेट हो गए। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके 3 मिलाकर डेट हो जाएंगे, बोलो भाई, 45,25,000, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? मतलब डाउट्स के लिए तो ऑब्वियसली मैं बैठा ही हूं, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट है, मतलब होमवर्क का पार्ट है, और ये एग्जाम में ऑब्वियस आता रहता है, ठीक है, बोलो बेटा क्लियर। चलो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया होमवर्क में, एक लास्ट चीज बची हुई है, क्या लास्ट चीज बची हुई है? हाँ, तो उसके लिए पहले थ्योरी पे आ जाइए, इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल राइट्स, इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल राइट्स, क्या होता है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, किसी को ने कुछ सुना है, पता है, कुछ अंदाजा? हम बात कर रहे थे उस दिन डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स होते हैं, तो डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स मतलब डिफरेंशियल राइट्स, हर क्लास के पास अलग अलग राइट्स हैं, या तो डिविडेंड राइट्स अलग है, या तो वोटिंग राइट्स अलग है, बात समझ में आ रही कि नहीं, या तो डिविडेंड राइट्स अलग है, या तो फिर वोटिंग राइट्स अलग है, क्लियर है कि नहीं। आइए, द कंपनीज एक्ट 13 सेक्शन 43A डिफाइंस इक्विटी शेयर कैपिटल टू इंक्लूड टू टाइप्स,
विथ वोटिंग राइट्स और विथ डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, मतलब डिविडेंड के रूप में डिफरेंट डिफरेंट, या फिर वोटिंग के रूप में डिफरेंट डिफरेंट, या अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी प्रेस्क्राइब. हो सकता है वोटिंग और डिविडेंड के अलावा कोई और डिफरेंट वे में भी वो डिफरेंट हो सकते हैं. हेंस डिफरेंशिएशन कैन बी डन बाय गिविंग सुपीरियर डिविडेंड. किसी को मैं ज्यादा डिविडेंड दे रहा हूं, किसी को मैं कम डिविडेंड दे रहा हूं, तो अपने आप वो अलग अलग क्लास हो गया. बोलो ना. सुपीरियर वोटिंग राइट, मैंने आपको बोल दिया कि आप मीटिंग में एक एक वोट डाल सकते हो, मैंने इनको बोल दिया कि आप मीटिंग में दो दो वोट डाल सकते हो, सुपीरियर राइट. डाइल्यूटेड वोटिंग राइट्स, उल्टा, सुपीरियर का उल्टा, डाइल्यूटेड, ठीक है. टू अ क्लास ऑफ इक्विटी शेयर, किसी एक क्लास के वोटिंग राइट को कम कर देना, किसी एक क्लास के वोटिंग राइट को बढ़ा देना, किसी एक क्लास के वोटिंग डिविडेंड राइट्स को बढ़ा देना या कम कर देना, अपने आप ये क्या हो जाता है, डिफरेंशियल राइट्स. बोलो बेटा. इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड दैट प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट इशूड विथ डिफरेंशियल राइट्स, इट इज ओनली द इक्विटी शेयर्स विच आर इशूड. मतलब डिफरेंशियल राइट्स में कौन से शेयर्स इशू होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स को वैसे तो वोटिंग राइट्स होते भी नहीं, तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल राइट्स सिर्फ किसमें आते हैं? इक्विटी. नॉर्मली द ब्लैंकेट रूल इन कंपनीज एक्ट इज वन शेयर वन वोट. बात तो सही है, जनरली नॉर्मल रूल क्या होता है, वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट. दिस गिव्स इक्वल वोटिंग राइट्स टू एवरी शेयर होल्डर. हाउएवर समटाइम्स अ सेगमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, नॉर्मली प्रमोटर्स. अब भाई रिलायंस में मुकेश अंबानी तो सबसे ज्यादा अपने आप को वोट रखेगा ना कभी, वो ऐसे क्लास ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेगा अपने और अपनी फैमिली के लिए, ताकि वो सबसे ज्यादा वोट उसी के हो, अगर सबके यस, ताकि कंट्रोल उसके हाथ में हो. सिंपल सी बात है, नहीं तो ऐसे तो कंट्रोल फिर डाइल्यूट हो सकता है. तो नॉर्मली प्रमोटर्स एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में लाइक टू हैव मोर कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. दिस इंटेंशन ऑफ शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट कैन बी एक्टिवेटेड इफ दे हैव मोर वोटिंग राइट्स, इवन दे हैव दे होल्ड फ्यूअर शेयर्स. मतलब थोड़े से शेयर्स में भी उनको राइट्स ज्यादा. दिस कैन बी स्ट्रक्चर्ड बाय गिविंग देम शेयर्स विद सुपीरियर वोटिंग राइट्स. दिस इज इनेबल्ड बाय सेक्शन 43A इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स विद प्रेफरेंशियल राइट्स. मतलब सेक्शन 43A अलाउ करता है कि हाँ, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंट राइट्स कंपनी इशू कर सकती है. ऑब्वियसली उसके लिए ROC की परमिशन और ये सब लगता है, पर सेक्शन 43A अलाउ करता है. आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? It is provided further that when the dividend in respect of a class of preference shares has no, हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पहले पढ़ो. अच्छा पॉइंट है, पढ़ो पहले. It is provided further that the dividend in respect of class of preference shares has not been dividend paid for a period of 2 years or more, such class of preference holders shall have a voting right or right to vote. अगर 2 साल तक लगातार उनको डिविडेंड नहीं दिया गया क्यूमुलेटिव वालों को, तो क्या हो जाता है, दे हैव राइट टू वोट. तो उनको वो भी कहीं ना कहीं इक्विटी की तरह ट्रीट होंगे, होंगे कि नहीं? और अगर उनके पास भी राइट टू वोट आ गया, तो एक तरीके से दे आर ऑल्सो एज गुड एज इक्विटी. तू उधर मत देख, मैं देख रहा हूं क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूं, तू मेरे को देख. मैं ऐसे कर रहा हूं तो वो भी इधर देख रहा है. मिस्टर इंडिया, सुन ध्यान से. तो भाई वो प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंट राइट, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंट राइट. कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे, उनके पास राइट नहीं था, पर लगातार 2 साल तक मैंने उनको डिविडेंड नहीं बांटा, लगातार 2 साल तक डिविडेंड नहीं बांटा, तो उनके पास भी वोटिंग राइट आ गया. तो मैं बोल सकता हूं इक्विटी शेयर विथ डिफरेंट राइट. अब तीन अलग अलग इक्विटी शेयर हो गए, दो तो पहले से ही थे ओरिजिनली, पर जो प्रेफरेंस शेयर है वो भी एक तरीके से दे आर एज गुड एज इक्विटी शेयर होल्डर्स विथ डिफरेंट, उनके पास भी राइट आ गया ना. बोलो बेटा. तो तब से राइट खत्म, जब तक नहीं किया तब तक तो वो है ना. उनके रिलेशन में अगर कुछ डिसीजन मेकिंग होता है तो उनके लिए वोट करना, उस पे नहीं रहेगा कुछ. तो कहां लिखा था, क्या लिखा था, राइट टू वोट.
ऑन ऑल रेजोल्यूशंस, ठीक है. नेक्स्ट, इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट प्रपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी शोल्डर्स टू द वोटिंग राइट ऑफ प्रेफरेंस शोल्डर्स शैल बी इन द सेम प्रपोर्शन एज द पेड अप कैपिटल, एज द पेड अप कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स बियर्स टू द पेड अप कैपिटल. मतलब जैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट आ गया, अब तुम्हारे पास भी राइट है, तुम तो इक्विटी, और प्रेफरेंस वालों के पास भी राइट है, फिर तुम दोनों के राइट का रेशियो निकाला जाएगा. तो वो राइट का रेशियो किस प्रोपोर्शन में निकलेगा? तुम दोनों के पेड अप कैपिटल के प्रोपोर्शन में. नहीं आया समझ में? तुम लोग पेड अप कैपिटल होल्ड करते हो 100 करोड़ का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पेड अप कैपिटल होल्ड करते हैं 20 करोड़ का, तो प्रोपोर्शन क्या हो गया? हाँ, 100:20 को करोगे तो कहीं ना कहीं 100/20 5:1 होगा ना, तो तुम्हारा वोटिंग राइट किस प्रोपोर्शन में होगा? 5:1. आया समझ में कि नहीं? तो ये जो 8th नंबर पॉइंट है, इसमें हाईलाइट करो कि इक्विटी और प्रेफरेंस वालों के जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो पेड अप कैपिटल के प्रोपोर्शन में होते हैं. किसके प्रोपोर्शन में होते हैं? पेड अप कैपिटल के प्रोपोर्शन में होते हैं. इसको हाईलाइट कर देना पॉइंट को. ठीक है. द मेंबर्स आर नॉट एंटाइटल टू वोटिंग राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट वॉलंटरली पेड बाय द मेंबर्स. ठीक है, वॉलंटरली पेड बाय द मेंबर्स, वो एंटाइटल नहीं होंगे. द शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट शैल नॉट एक्सीड, शैल नॉट एक्सीड कितने? 26% ऑफ द टोटल पोस्ट इशू पेड अप. मतलब इशू होने के बाद ओवरऑल जितना भी पेड अप कैपिटल है उसका मैक्सिमम 26% शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स हो सकते हैं. देखो, अब इसको ऐसे सेंस में समझो कि आम तौर पर कंपनी में जो भी शेयर होता है उसका एक ही वोट होता है, ये हमने अभी पढ़ा. अगर मुझे किसी को प्रिविलेज देना है, प्रिविलेज मतलब फायदा वायदा कुछ, मुझे किसी को प्रिविलेज देना है तो मैक्सिमम मैं कितना सेपरेट प्रिविलेज दे सकता हूं? 26%. नहीं आएगा समझ में? हाँ, जैसे तुम लोगों के पास, जैसे तुम सबके पास मिलाकर टोटल कैपिटल है 100 करोड़ का, और तुम सभी के पास एक ही वोट है, मतलब एक शेयर एक वोट है, और तुम लोगों का सबका कैपिटल कितना है? हाँ, अब मैं 50 करोड़ का कैपिटल इन दोनों को इशू करना चाहता हूं विथ प्रिविलेज. 50 करोड़ का कैपिटल इनको इशू देना चाहता हूं विथ प्रिविलेज, जिसमें इनको 2 वोटिंग राइट होंगे. तो पोस्ट इशू कितना हो जाएगा? 100+50 कितना? 150. क्या हो सकता है? क्या नहीं? मैक्सिमम 26% हो सकता है, 126 होना चाहिए. तो इसका मतलब मैं मैक्सिमम कितना कर सकता हूं? 26. नहीं आएगा सामने? अभी तो 100 के फॉर्म में तो बहुत आसान था. तुम्हारे पास है मान लो 70 करोड़, तुम्हारे पास है 70 करोड़, बताओ मैं इनको मैक्सिमम कितना दे सकता हूं? कैसे बेटा? 26% पोस्ट इशू होना चाहिए. नहीं समझे? नहीं समझे? इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो आपने पिछला आंसर दिया वो भी गलत ही दिया, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था? 100 था आपके पास, मैं इनको 50 कर सकता करना चाहता हूं, तो कुल मिला के 150 हो रहा है. तो गलत है, गलत है ना? कितना होना चाहिए? 126. नहीं गलत है, 126 भी गलत है ना? 100 मान लो, 100 सुनो, मान लो 100 तो पहले सीधे 100 पहले से ही है. मैं जितने भी इशू करूंगा नए वाले, कुल मिला के हो जाएगा 100+X. इसका 26% चाहिए ना मुझे? मुझे तो इसका 26% चाहिए ना. हाँ, तो 26% ऑफ 100+X, जो कि कहीं ना कहीं X होगा. अरे बोलो ना, X की वैल्यू कितना आ रहा है? सॉल्व करो, X की वैल्यू कितनी आ रही है? X की वैल्यू पूछ रहा हूं नालायक, X की वैल्यू पूछ रहा हूं.
एक्स की वैल्यू आ रही है 35.135। अरे भाई एक्स क्या है, मैं विथ प्रिविलेज नंबर ऑफ शेयर इशू करना चाहता हूं। एक्स नंबर मतलब अमाउंट बोलो, नंबर बोलो, वॉट एवर एक्स, मैं नए शेयर इशू करना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। सुनो सुनो, एक होता है 100%, 26% जो होगा वो प्रिविलेज वाले होंगे, 26% प्रिविलेज वाले होंगे ना, तो 100 में से 26% हटाओ, 70, तो 74% नॉर्मल वाले होंगे, और 100 क्या है, वो भी नॉर्मल है, 100 तुम लोगों के पास है ना नॉर्मल, मतलब 26% में मैक्सिमम प्रिविलेज वाले कर सकता हूं। अगर मैंने 26% प्रिविलेज कर लिया तो नॉन प्रिविलेज वाले कितने होंगे, 74, और तुम्हारा अभी वैल्यू कितना है 100, तो तुम्हारा वैल्यू 100 है जो कि तुम 74% होने चाहिए, तो बताओ 100% कितना होना चाहिए, 135.135। समझ आया कि नहीं, क्लियर? तो इसका 26% करो, 35.135, मैं इतने शेयर, इतना शेयर कैपिटल बढ़ा सकता हूं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में। भाई सीधी बात है, मैथमेटिक्स से यार, ये कोई अकाउंट्स का लॉजिक तो है नहीं, ये मैथमेटिक्स है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी खराब है। ये 100% मान लो, ये क्या है, पोस्ट इशू, पोस्ट इशू पेड अप। ये पोस्ट इशू पेड अप मतलब प्रिविलेज शेयर्स इशू करने के बाद, ये क्या है 100%, और उसमें मैक्सिमम डिफरेंशियल वाले कितने हो सकते हैं, तो ये 74% किसके हैं, मैं बोल सकता हूं ऑर्डिनरी शेयर्स, मैं बोल सकता हूं ऑर्डिनरी शेयर्स, जिनके पास कितना वोटिंग राइट है, एक शेयर पर एक। हाँ तो ये कितने परसेंटेज में होने चाहिए, ये कितने परसेंट होने चाहिए, 74, और तुम्हारा अभी करंटली पेड अप कैपिटल कितना है, तुम्हारा मैंने पेड अप कैपिटल कितना बोला था, नॉर्मल वालों का, ऑर्डिनरी वालों का पेड अप कैपिटल कितना है 100, तो तुम्हारा पेड अप कैपिटल 100 है, जो कि कहीं ना कहीं 74% होना चाहिए, तो 100% कितना होना चाहिए, तो 100 पेड अप कैपिटल डिवाइड बाय 74% करोगे तो अपने आप वो 135 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, बस कंफ्यूजन ये हो रहा है कि 100% और उधर 100 रुपीज की वैल्यू है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा पेड अप कैपिटल है एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल 5 लाख, चलो अब बोलो एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल 5 लाख, ये कहीं ना कहीं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, करने चाहिए ये 74% रिप्रेजेंट करने चाहिए, ये 74% रिप्रेजेंट करने चाहिए ना, तो बताओ। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूं कि बताओ डिफरेंशियल वाला पेड अप कैपिटल कितना माना जाएगा, 5 लाख डिवाइड बाय 74 इंटू 26, वही आएगा, वही तुम्हारा जो आंसर है वही आएगा, टेंशन मत लो, करो। वन सेवन फाइव सिक्स सेवन, मैं इतना पेड अप कैपिटल बढ़ा सकता हूं डिफरेंशियल वोटिंग राइट से। समझ आया कि नहीं, मैक्सिमम, क्योंकि मेरा मिनिमम 74% तो नॉर्मल ऑर्डिनरी कैपिटल होना ही चाहिए। अब समझा कि नहीं, हाँ इट इज फर्दर क्लरिफाइड दैट कंपनी शेल नॉट कन्वर्ट इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल विथ वोटिंग राइट्स इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल कैरिंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एंड वाइस वर्सा। मतलब नहीं समझा मैं, मतलब मैं नहीं समझा, मुझे समझाओ। प्रेफरेंशियल की बातें नहीं कर रहे, जैसे तुम लोग थे एग्जिस्टिंग जिनके पास एक ही वोट है, मैं इन्हीं को
ये नहीं बोल सकता आज से लेकर तुम लोगों को दो दो वोट नहीं आएगा समझ में। मैं एग्जिस्टिंग ऑर्डिनरी शेयर्स को डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में कन्वर्ट या डिफरेंशियल वालों को ऑर्डिनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, न्यू ही करना पड़ेगा या बायबैक ही करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं? आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, इक्विटी कैपिटल इज हेल्ड बाय एक्स वाई जेड। कंपनी में सिर्फ तीन लोग हैं जो कंपनी के इक्विटी कैपिटल को होल्ड करते हैं। तीन लोग कौन कौन है? और इनके पास इक्विटी कैपिटल किस प्रोपोर्शन में है? 40:40:20। ठीक है, मतलब 100 शेयर होंगे तो 100 में से 40 शेयर किसके पास है? एक्स के पास। वाई के पास कितने हैं? 40। और जेड के पास कितने हैं? 20 शेयर है प्रपोर्शन उनका। ए बी सी, अच्छा अब एक्स वाई जेड तो हो गया, अब ए बी सी होल्ड प्रेफरेंशियल कैपिटल इन प्रपोर्शन ऑफ 50:30:20। ओके, कंपनी में एक्स वाई जेड के पास इक्विटी है तो कंपनी में ए बी सी के पास क्या है? हाँ, प्रेफरेंशियल है। और उनके पास प्रेफरेंशियल किसके प्रपोर्शन में? 50:30:20 में। इफ पेड अप कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 1 करोड़। कंपनी का इक्विटी कैपिटल कितना है? तो इसका मतलब एक्स के पास कितना होगा? 40 लाख। एक्स के पास कितना होगा? 40 लाख। वाई के पास 40 लाख। जेड के पास 20 लाख। और प्रेफरेंशियल कैपिटल है 50 लाख। तो एक मिनट करो कैलकुलेट, अगर प्रेफरेंशियल कैपिटल 50 लाख है तो ए के पास कितना होगा? 25 लाख। जल्दी बोलो, 25 लाख। बी के पास कितना होगा? 15 लाख। सी के पास कितना होगा? 10 लाख। ठीक है, सबका कैपिटल आ गया। बोलो ना, सबका कैपिटल आ गया कि नहीं? नेक्स्ट, देन द रिलेटिव वेट इन द वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? पॉइंट नंबर एट। वापस से पढ़ो एक बार पॉइंट नंबर एट। इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट द प्रपोर्शन ऑफ द वोटिंग राइट। अगर मुझे इक्विटी और प्रेफरेंस वालों का वोटिंग राइट निकालना है तो उनका वोटिंग राइट किस प्रपोर्शन में होगा? पेड अप कैपिटल के प्रपोर्शन में होगा। मुझे सबका पेड अप कैपिटल पता है, बोलो ना यार। हाँ ठीक है, आइए तो मुझे ये बताओ कि इक्विटी कितना है? 1 करोड़। और प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना है? तो 0.5 करोड़ बोलूंगा। बोलो ना बेटा। हाँ, तो ये प्रपोर्शन कितना हो गया? ये प्रपोर्शन निकालो, हमें वोटिंग राइट को पेड अप कैपिटल के प्रपोर्शन में रखना है ना। हाँ, इसको डबल कर दो सबको। हाँ, क्या आ गया? 2:1। मतलब इक्विटी वालों का वोटिंग राइट कितना होगा? 2। और प्रेफरेंस वालों का वोटिंग राइट कितना होगा? 1। समझ आएगी नहीं? अब इंडिविजुअल निकालते हैं। एक्स का वोटिंग राइट कितना होगा? एक्स का कैपिटल कितना है? हाँ? किधर गया एक्स? 40%। हाँ, एक्स 40 लाख है तो बताओ 40 × 2, ये 2 है, डिवाइड बाय 3। वाई 40 × 2/3। जेड 20 × 2। ए 1/3। मैं आता हूं, मैं तुम लोगों के पास आता हूं। हाँ, क्या बोल रहे हो? तेरे को क्या? मैंने अब तो एसी भी बंद कर दिया। 2:1 मतलब 2/3। 2 किसका? इक्विटी का। 1 किसका? और टोटल क्या है? 3। 3 वोट अगर डालेंगे तो उसमें से 2 वोट कौन डाल सकता है? इक्विटी वाले डालेंगे। एक ही वोट कौन डालेगा? ठीक है ना, बोलो बेटा। 50 वोट डालेंगे तो उसमें करो 50 वोट अगर डालेंगे तो उसमें इक्विटी वाले कितने डालेंगे? 33 के आसपास। और बाकी 17 कौन डालेगा? 16-17 किस कौन डालेगा? प्रेफरेंस डालेंगे। समझा कि नहीं? अब एक्स वाई जेड किस कैटेगरी के है? इक्विटी में है कि प्रेफरेंस में? तो फिर 2/3 होगा ना इसमें। हाँ, और एबीसी किस कैटेगरी में? प्रेफरेंस वाले में। ए का क्या था? 25।
कैपिटल 25 था ना, 25 इंटू 1/3 बी 15 इंटू 1/3 सी 10 इंटू 1/3 आया समझ में कि नहीं? आप ऐसे सबका करोगे तो ओवरऑल सबका रिलेटिव रेशियो आ जाएगा, सबका रिलेटिव रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। इसका 4/15, 4/15, 2/15, 1/6, 1/10, 2/30, जब आप ओवरऑल इनके वेट्स करोगे तो क्या आ गया वेट, 8:8:4:5:3:2, ठीक है। बोलिए बेटा, ये वेट निकालना आता है आपको? हाँ, अरे देखो वो शुरू से क्या बोल रहा है, 4/15, 4/15, 2/15, और क्या था, 1/6, 1/10, 1/15, हाँ सही बोल रहा, क्या है 1/, तीसरा वाला 1/6, 1/10, 2/30, ये कैसे निकलेगा इनका प्रोपोर्शन फिर, क्या करोगे, वो करते ना अपन डायरेक्ट एलसीएम वगैरह करके, बोलो ना क्या करूं कैसे, मुझे नहीं आता, बताओ ना, यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए, ऑनलाइन वालों के लिए बताओ, मुझे और ऑनलाइन वालों को नहीं आता, मेरे को बताओ कैसे होगा, सबसे मैक्सिमम वाला, हाँ कर दिया, क्या करूं अब, 30 का 15 में दो बार, 2 4 8, 30 का 15 में दो बार, 2 4 8, 30 का 15 में दो बार, 2 1 2, नहीं क्या, हाँ सही है, तो ऊपर फिर 4 क्यों आ रहा है, एक्चुअली ना ऊपर सही है, ये 2:15 ना वो गड़बड़ हो गई, मिसप्रिंटिंग हो गई है शायद, हाँ ये 2:15 होगा ना, देखो ना क्या हो रहा है, सॉल्व करो ना, कहाँ पर, हाँ और यहाँ पर 1/15 है, ऊपर 2/15 है, वही तो बोल रहा हूँ, तो वो तो तुम्हें सॉल्व करना ना, करना मैं, हाँ हाँ सर मैंने पैसे दिए हैं, हाँ ना सर मैंने तो पैसे दिए हैं, आप ही बताओ, अरे सॉल्व करो ना, वही तो बोल रहा हूँ मिस प्रिंटिंग है, तो इधर इधर क्या आएगा, 2/15, हाँ तो बताओ 2/15, तो बताओ कितना आएगा, 4, मिस प्रिंटिंग ठीक कर दो, हाँ वापस से 30 का टेबल 6 में कितनी बार, 5 5 1 5, 30 का 10 में 3 बार, 3 1 3, 30 का 30 में एक ही बार, 1 2 2, नहीं समझा, मैं समझाऊंगा भी नहीं दूसरी बार, मेरे को भी बहुत हार्ड लगा, मैं भी नहीं समझाऊंगा, चलो क्लियर तो हो गया ना, क्या निकला ये, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, मतलब अब कुल मिला के एक्स के पास सबसे ज्यादा वोट्स हैं, एक्स और वाई के पास, देखो ध्यान से, एक्स और वाई के पास कितने वोट्स हैं, 8, मतलब एक के फ्रॉम में 8 है, मतलब 8 गुना वोट्स हैं, यही बोल सकते ना, तो इस सेंस में जेड के पास 4, उसके पास 5, उसके पास 3, ऐसे करके, क्लियर है कि नहीं, चलिए अब कुल मिला के ये तो हो गया एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7:50 हो रहे हैं, तुम अभी आज बोल रही थी उनको 8:30 बजे छोड़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, सर होमवर्क दे दो ना, इधर ही करना है, तुम्हारी ऐसी तैसी, इधर ही करना है आप तो, इधर ही करना है, करो तब तक मैं ईसॉप का चैप्टर अपलोड कर लेता हूं, नया टॉपिक,
हो गया? हो गया? अभी भी नहीं किया? ऑल राइट, मैं मान के चल रहा हूं कि हो गया होगा। चलो कॉपी में नया पेज निकालो, नया हेडिंग, नया चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर ईसॉप, इम्पॉर्टेंट ओवरव्यू अबाउट द टॉपिक। आ जाओ पढ़ना शुरू करें। बिना नोट्स के अपन 10 मिनट निकाल सकते हैं। चलो कोई नहीं, मैं मजाक कर रहा था, मेरी भी इच्छा नहीं हो रही है पढ़ाने की, बहुत हो गया। आज सोचा था कि जल्दी छोड़ेंगे, बट इतना टाइम ऐसे निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। आंसर, अच्छा हाँ, यस यस यस, करेक्ट 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 करेक्ट, आंसर चाहिए, आंसर चाहिए बेबी को। रुक जाओ रुक जाओ बेबी, ठीक है मेरे हिसाब से। हाँ आंसर, कौन सा नंबर क्वेश्चन था? अब वो तो तुम जानो, तुम्हारी वर्किंग देखो। ये मैं क्या बोलूं है, मतलब नहीं था, मतलब एक सेकेंड, एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्वेश्चन अलग है क्या? हाँ तो वही तो निकला है। हाँ तो तुम ही लोग तो बोले कि ना सॉल्यूशन दिखाओ, आंसर मैच करना है। कुछ गड़बड़ है क्या मेरे को बता दो ना, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी बात। कौन सा वाला लाइन नहीं है, क्या बोल रहे हो? नहीं तो रेशियो है तो सही, पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी 40 लाख एंड प्रेफरेंशियल इज 20, तो 40 और 22:1 हो तो क्या? तो सही है ना आंसर? तो तुम बोल रहे हो अजम्पशन लिया हमने 2:1 है या लिखा नहीं है, तुम बोल रहे हो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अरे यार तो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, तो बस बात खत्म, हो रहा है, दैट्स इट।
चलिए मेरे हिसाब से हम यहीं पर आज क्लास को ओवर करते हैं। हमारा दो टॉपिक हो चुके हैं, शेड्यूल थ्री और बायबैक, हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं। अगला टॉपिक हमारा ईसॉप रहेगा, कल की क्लास में हम शुरू करेंगे ईसॉप। थैंक यू सो मच गाइस, अभी के लिए इतना है, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।